लोगों की जिंदगियां संवारने के लिए बनाई है, लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए बनाई है। और मैं सिर्फ इसका एमडी नहीं हूं, ये सोच के बाजार में मत जाया करो। तुम इस कंपनी के मालिक हो, जनता इस कंपनी की मालिक है, ये सोच के बाजार में जाया करो। तो आप सभी का हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के इस महा इंटरव्यू में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, क्राउन डायमंड ऑफ श्रीपेस वेलनेस, आज आप सभी का इस इंटरव्यू में स्वागत भी कर रहा हूं और आपको यकीन भी दिला रहा हूं कि आज आपने जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वक्त एक घंटे का इस इंटरव्यू के लिए निकाला है। आप यकीन मानिए, आप जो अभी आए हैं, एक घंटे बाद जब आप इस इंटरव्यू से फ्री होंगे, आपके विचार, आपकी सोच, आपके विजन 100% बदल चुके होंगे। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र दिलवाने वाला हूं कि लोग कैसे कामयाब होते हैं, कौन कौन से ऐसे डाउट्स हैं जिनके वजह से लोग सक्सेस नहीं होते हैं, कामयाब नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है आपका वक्त बहुत कीमती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस इंटरव्यू को आपको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा आपके वक्त से भी ज्यादा कीमती आज का आपका एक घंटा आपकी जिंदगी में, लाइफ में हमेशा रहेगा, ये यादगार एक घंटा रहेगा। दोस्तों, पिछले 7 दिन से हम लोग प्रमोशन कर रहे थे, आप सारे लोग बेसब्री से संडे का 11 बजे का इंतजार कर रहे थे। सारे एसलीपीएस फाइटर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी लीडर्स हैं, आज उन सब लोगों के लिए एक सुनहरा दिन है। क्योंकि दोस्तों, हमारी तमाम कोशिशों के बाद, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद, आज मैं आपके सामने किसी शख्स को नहीं, एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं, आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि उनका टाइम, आप भी जानते हैं कि बहुत कीमती है, बहुत मुश्किल से उनका टाइम निकलता है, शेड्यूल बहुत बिजी है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने इस बिजी शेड्यूल में भी हमें टाइम देने का डिसीजन लिया, हमारी मांग को सुना, और आप सभी की और मेरी भी रिक्वेस्ट पे उन्होंने हमारा इन्विटेशन स्वीकार करा। जी हाँ दोस्त, मैं अभी आपको मिलवाने जा रहा हूं हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोविंग कंपनी एसलीपीएस वेलनेस के सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर को। दोस्तों, हम सारे लोग मिलके वेलकम करते हैं, प्लीज वेलकम एसलीपीएस वेलनेस सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव सर। सर, आपका स्वागत है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है आज हमारे इंटरव्यू में। हमारे दर्शक पिछले 7 दिन से वेट कर रहे थे, आज मेरा भी सौभाग्य है और आपका भी, हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज आपसे एक घंटे तक हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जिससे हमारी जिंदगी में आमूल परिवर्तन आएंगे। सर प्लीज। थैंक यू जी। नमस्कार सभी देखने वाले सभी दर्शकगण को, बहुत बहुत नमस्कार। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 7 दिन से जैसे ही हम यहाँ पे प्रमोशन कर रहे थे जी, लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारी चीजें आपके पास जानने चाहते हैं। मैं तकरीबन 2000 से ज्यादा सवाल आए थे, सभी के सवाल तो नहीं ले पाया क्योंकि इतने कम टाइम में सबके सवाल लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी मैंने तमाम ऐसे सवाल लोगों के यहाँ पे लिए हैं जिनके आज आपको जवाब देने ही होंगे क्योंकि जनता जानना चाहती है। और आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जो जो मेरे से सवाल किए हैं, मैं उनका जवाब जरूर आपको दिलाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे एक लीडर है, एसोसिएट है, मुझे नहीं मालूम, मेहताब सिंह चौहान किसी का नाम है, वो ये जानना चाहते हैं सर के बारे में कि सर पहले क्या करते थे, कैसे थे, कहां से आए, कैसे डायरेक्ट सेलिंग में आए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले क्या किया करते थे, आपका इस इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले किस प्रोफेशन में आप काम करना चाहते थे, आप कहां से हैं, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। तो सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकगण को एक बार फिर। तो महिपाल जी, मैं रहने वाला हूं अपना गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, और मोदनगर वहां पर एक सिटी है, उसके पास एक गांव है छोटा सा खंजरपुर। बचपन में पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद, क्योंकि मेरे पापा आर्मी में थे तो उनसे इंस्पिरेशन मुझे मिला और मैंने आर्मी ज्वाइन करी, और आर्मी में ही मैंने पहले जॉब की है, आर्मी में मैंने काम किया है,
और पढ़ाई लिखाई अपना नॉर्मल की है, उसके बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तो मेरा मतलब पहले मैं आर्मी में था। सर बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बताया कि आज के टाइम में हमारे समाज में एक धारणा है कि किसी को अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो सरकार का दामाद बन जाता है, पहले सैलरी मिलती है उसके बाद पेंशन मिलती है। इतनी अच्छी जॉब होने के बाद आज हिंदुस्तान की सबसे रेस्पेक्टेड जॉब में आर्मी का नाम आता है, उसके बाद भी आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए और आए ही नहीं, आपने अपना पूरा करियर इस इंडस्ट्री में लगा दिया, इसके पीछे ऐसी क्या वजह रही होगी? देखिए मेपाल सर, रियली जॉब वो भी आर्मी का बड़ा रिस्पेक्टेड जॉब है और हमने भी पूरा 15 साल दिए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी पोस्टिंग रही हैं, बड़ा मजा आ रहा था जॉब में। लेकिन फिर भी होता ही है ना, इंसान की जो इच्छाएं हैं वो तो असीमित हैं, तो ऐसी कुछ इच्छाएं हमारी थी और कुछ अगर हम अपनी इच्छाओं का दमन कर लें तो बच्चों की कुछ इच्छाएं थी, बच्चे कुछ अच्छी जिंदगी जीना चाहते, तो फिर कोई ना कोई सोचा कि कोई ऐसा काम इस दुनिया में है अगर हमारे लायक तो ट्राई करेंगे, बच्चों के सपने पूरे करेंगे। तो फिर अचानक जयपुर के अंदर एक दोस्त थे, वो ले गए किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोग्राम में और वहाँ पर मैंने देखा मान सम्मान रिस्पेक्ट पैसा, सबसे बड़ी बात है मैंने वहाँ पर ये देखा कि हमारे जैसे लोग कामयाब हैं, हमारे जैसे मीन्स मतलब आम आदमी जो 10वीं पास है 12वीं पास है या BA या ग्रेजुएट है, काफ़ी लोग वहाँ पर पैसे वाले मैंने देखे, मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। और इस इंडस्ट्री की खासूसियत मुझे सबसे ज़्यादा जो लगी वो ये लगी कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसके पास डेडिकेशन है, हिम्मत है, मेहनत है, जज्बा है, सपने है, कोई भी कामयाब हो सकता है। यहाँ पर टैलेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल देखिए आप मार्केट में कामयाब होने के लिए मान लो मेरे सपने हैं या आपके सपने हैं, अगर हम उन्हें पूरा करना चाहें तो मार्केट में क्या है, या तो आपको पढ़ना लिखना बहुत पड़ेगा तब आप IAS IPS बहुत बड़े बड़े बिग जॉब्स आपको बिग प्रोफेशनल जॉब आपको मिलेंगे, या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आपको बहुत पैसा लगाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, होटल हॉस्पिटल स्कूल बना लें, या आपके पास कोई एक्सट्रीम टैलेंट हो, आप विराट कोहली की तरह अच्छे क्रिकेटर बने, अच्छे बॉक्सर बने, अच्छे सिंगर बने, मतलब मैं कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग के सिवा बहुत सारे प्रोफेशन है, चांद में सबने पूरे कर सकते और लोग कर भी रहे हैं, लेकिन क्या वो खासूसियत हर आम आदमी में होती है, क्या वो टैलेंट, वो पढ़ाई लिखाई, वो पैसा? तो बस मुझे इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी ये लगी कि यार जिसके पास यहाँ पर पढ़ाई नहीं है वो भी कामयाब है, जिसके पास कोई एक्सट्रीम टैलेंट नहीं है सिंगर डांसर बॉक्सर क्रिकेटर बनने का वो भी कामयाब है, जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है लगाने को बिना पैसा लगाए वो भी कामयाब है, क्योंकि यहाँ पैसा तो कुछ लगता ही नहीं है, जब पैसा नहीं लगता तो कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर। उसके बाद इस काम में करने में जो सिस्टम है कंपनियों के, डायरेक्ट सेलिंग के जो सिस्टम है कंपनीज के, एजुकेशन सिस्टम, वो बड़ी मदद करते हैं किसी भी आम आदमी को कामयाब करने के लिए, अगर वो नहीं भी काम करना जानता तो भी उसे काम करना सिखा देते हैं और उसे कामयाब कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मर्जी का काम है, मेरी मर्जी में आज करूं ना करूं, दो दिन ना करूं, तीसरे दिन करूं। और सबसे जो ब्यूटीफुल मुझे इसकी ब्यूटी लगी, बड़ी ब्यूटी, वो था महिपाल जी पैसिव इनकम, कि एक बार मेहनत कर ली जाए जोर लगा के और जिंदगी भर बैठ के खाया जाए। तो ये कुछ ऐसी ब्यूटीज है जो मुझे नजर आई, इसलिए मैंने इंडस्ट्री चुनी, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति मुझे लगता है यहीं पर कामयाब हो सकता था। एक दो लोगों ने सवाल किया है जिनका नाम है अमित शंकर, PM पटेल, ये बात ये पूछते हैं कि सर ये पावर हमें और आप सबको समझ में आती है, लेकिन आज हमारा समाज और लोग, आम लोग इस इंडस्ट्री को लेकर नेगेटिव क्यों? बहुत बढ़िया, क्या नाम बताया आपने जिन्होंने सवाल पूछा है? अमित शंकर है, एक PM पटेल है। तो अमित शंकर जी, PM पटेल जी, आपका सवाल बहुत जेन्युइन है और बहुत रियल सवाल है, और इस सवाल का जवाब अपने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार हर व्यक्ति अपने अनुसार देगा, लेकिन जो मैंने सीखा है अपने इस जीवन में, जो समझा है डायरेक्ट सेलिंग में, वो ये है कि अगर समाज किसी चीज के प्रति नेगेटिव है तो 100% वहां कुछ तो नेगेटिव रहा होगा, क्योंकि मुझे जीवन में ये सिखाया गया है या मैंने अपने जीवन के एक्सपीरियंस से अपनी उम्र में ये देखा है इस उम्र में कि समाज इंसान को बनाता है और समाज इंसान को गिराता है। अगर समाज किसी सरकार के प्रति पॉजिटिव है तो वहां सरकार बना देता है, और समाज अगर किसी सरकार के प्रति नेगेटिव है तो सरकार को गिरा देता है। अल्टीमेटली हर कामयाबी की जो वजह है, हर सक्सेस की जो वजह है, वो समाज है। समाज चाहे तो कोई स्कूल चला देता है, समाज चाहे तो फ्लॉप कर देता है, समाज चाहे तो किसी फिल्म को हिट कर देता है, समाज चाहे तो फ्लॉप कर देता है। इसका मतलब सब कुछ तो समाज ही है। अब समाज डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नेगेटिव है, आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं और सही कह भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा कि जिससे लोग नेगेटिव हैं।
तो महिपाल जी, उसके लिए एक छोटी सी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है महिपाल जी, इसको लोग सोचते हैं कि ये कुछ अलग बिजनेस है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये समाज क्यों नेगेटिव है, इसका आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरी इस थोड़ा सा डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपीरियंस में नॉलेज शेयर करूंगा तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ये कोई स्पेशल इंडस्ट्री नहीं है, कुछ अलग नहीं है, ये बेचने का एक तरीका है, एडवांस वर्जन ऑफ सेलिंग। जैसे दुनिया में पहले कैसे बिकता था, एक आदमी दुकान खोलता था, सुबह आता था, अभी भी खोलते हैं, 12 घंटे अपनी दुकान के अंदर आके माल बेच के निकल जाता था, उसी गली उसी मोहल्ले में बिकता था जहां उसकी दुकान थी। फिर किसी व्यक्ति ने एक एडवांस आइडिया, एडवांस वर्जन लाया फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट का। फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट, फ्रेंचाइजियां खोल खोल के एक आदमी ने एक जगह से पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजियां खोल दी, पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजियां खोल दी, तो उसका माल एक जगह बैठ के पूरी दुनिया में बिकने लगा। फिर एक आदमी आइडिया लाया कि यार मैन टू मैन सेलिंग भी हो सकती है, मैन टू मैन भी आदमी आदमी प्रोडक्ट बेच सकता है, मैन टू मैन भी आदमी चीजों को प्रमोट कर सकता है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, मैन टू मैन सेलिंग। तो ये जो मैन टू मैन सेलिंग है इसका वर्जन है, इसका स्वरूप है डायरेक्ट सेलिंग। अब जिस आदमी ने बनाया उसने किस लिए बनाया था, उसने महिपाल जी इसलिए बनाया था, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वजह से बनाया था, प्रोडक्ट बेचने के लिए बनाया था, कुछ ऐसे करने के लिए नहीं बनाया कि भाई कुछ भी बेचो हवा बेचो, क्योंकि फ्रेंचाइजी से क्या बिकता है प्रोडक्ट, दुकान से क्या बिकता है प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग में क्या बिकता है प्रोडक्ट। तो उसने एक इंडस्ट्री बनाई कि जहां पर एक आदमी एक प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो उसको शेयर करेगा, ना कि बेचेगा। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सेल्समैन नहीं आते, एमबीए बीबीए करे हुए मार्केटिंग वाले लड़के नहीं आते, डायरेक्ट सेलिंग में समाज का एक आम आदमी आता है, एक बूढ़ा भी हो सकता है, एक माँ भी हो सकती है, एक बहन भी हो सकती है, एक यंगस्टर भी हो सकता है। उसने कोई मार्केटिंग की स्टडी नहीं की, मार्केटिंग नहीं सीखी, उसे नहीं पता प्रोडक्ट कैसे बेचना है। तो डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस बनाता, ये शेयरिंग बिजनेस बनाता, सेलिंग बिजनेस नहीं बनाता कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, अगर आपको अच्छे रिजल्ट आए तो आप उसको शेयर करें। अब उसके बाद ये बिजनेस पिछले 100 साल से पूरे वर्ल्ड के अंदर है, हिंदुस्तान में 96 और 98 में आया। 96-98 में जो कंपनियां इसे लेकर आई, बड़ी अच्छी कंपनियां थी, बिल्कुल इथिकल प्रोडक्ट के साथ ये बिजनेस लेके आई, इंडिया के अंदर उन्होंने शुरुआत करी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इंडिया में मिला, मतलब गांव गांव लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े। 96 में, 98 की बात कर रहा हूं महिपाल जी। अब जब ये रिस्पॉन्स उन कंपनियों को मिला तो ऐसा लगा कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री का और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि हर असली चीज के साथ एक नकली चीज साथ में आती है, हर ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट वर्जन जरूर आता ही आता है। तो जो ओरिजिनल स्वरूप वो लोग लेके आए कंपनी में, अगर आपको वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2 कंपनी इंडिया की थी, एक इंडिया की एक बार की, जिन्होंने इथिकल डायरेक्ट सेलिंग को जन्म दिया अच्छे प्रोडक्ट के साथ। अब जब लोगों ने देखा कि इन कंपनियों की इतना पोटेंशियल है, इन कंपनियों में इतने लोग जुड़ने लग गए, एकदम आतंक मच गया, क्या धंधा आ गया, पैसे कमाने का धंधा आ गया, तो फिर डुप्लीकेट लोग मार्केट में आए। और डुप्लीकेट लोगों ने एक चीज देखी, एक उन्होंने आइडिया लिया, या कह सकते हो मार्केट का सर्वे किया कि हिंदुस्तान में तो पैसा कमाने का तरीका दे दो तो ही लोग जुड़ जाते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने कुछ कंपनियों से सीखा। जैसे एक बाहर की एक कंपनी आई थी, गद्दा बेचती थी, 80,000 का गद्दा 2001-02 में। तो हमारे इंडिया के लोगों ने कहा, जो इंडिया के जो डायरेक्टर बने बाद में कंपनियां बनी, कि 80,000 का गद्दा बिक जाता है 2001 में उस मंदे जमाने में, तो इसका मतलब हिंदुस्तान में लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की एक मजबूरी, हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है एक बात, और हिंदुस्तान इमोशनल कंट्री है, यहां रिलेशन बिकते हैं, रिश्ते बिकते हैं, प्रोडक्ट नहीं बिकते। तो उन लोगों ने क्या किया, जो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी, अच्छे प्रोडक्ट बेच के अच्छे पैसे कमाने की शेयरिंग इंडस्ट्री जो शुरू हुई थी, उन्होंने उसको साइड हटाया और कुछ भी हवा ले आए, कोई ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन ले आया, कोई वेब स्पेस ले आया, कोई गद्दे ले आया, कोई कपड़े ले आया, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आए जो किसी के काम के नहीं थे, और फिर उन्होंने लोगों के इमोशंस और रिलेशन की ताकत से उन्हें बेचा और कंपनियों ने पैसा बनाया, लीडरों ने भी पैसा बनाया। लेकिन वो पैसा कंपनियों लीडर बनाते गए, पर समाज का एक बहुत बड़े वर्ग को नेगेटिव करते गए। कैसे, फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऐसी कंपनी में जुड़ गए जिसके प्रोडक्ट नो नीड, नो यूज, नो वर्थ के हैं, ना आपके काम के हैं,
ना आपकी जरूरत के। और कोई व्यक्ति आपको एक लालच देता है कि दो बनाओगे तो इतने मिलेंगे, चार बनाओगे तो इतने मिलेंगे, और आपने पैसे दे दिए। इस तरह 100 लोगों ने पैसे दे दिए। सर, दुनिया की कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर 100 लोग जुड़ते हैं महिपाल जी, तो काम 10 ही करते हैं। चाहे हमारी कंपनी में जुड़े, चाहे एमवे में जुड़े, चाहे मोदी केयर में जुड़े, चाहे वेस्टीज में जुड़े, जितनी भी कंपनियों में जुड़े, काम 10 ही लोग करते हैं। 90 लोग सिर्फ प्रोडक्ट के यूजर होते हैं। तो जब उन कंपनियों ने जिन्होंने सिर्फ हवा बेचने का धंधा बनाया, लोगों के रिश्ते बेचकर पैसे कमाने की सोच बनाई, रिलेशन के साथ खेला, इमोशन के साथ खेला, उन कंपनियों के प्रोडक्ट जब 100 लोगों को बेचे गए, तो जो 90 लोग थे ना जिन्होंने एक्साइटमेंट में खरीद लिए, और जब वो प्रोडक्ट उनके काम पे नहीं आया ना, तो उन्होंने टांड पे फेंक दिया और फिर गाली देनी शुरू करी उस व्यक्ति को जिसने उनको वो प्रोडक्ट दिया था। फिर कहना शुरू किया, ये बेकार काम है, ये जोड़ने का काम है, ये कंपनी वाले मूर्ख बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। और वो 10 लोग जो हर कंपनी में 100 में से 10 काम करते हैं, उन्होंने झंडे उठा लिए, मालाएं पहनाई, बुके दिए, वो कहते हैं पॉजिटिव इंडस्ट्री, अच्छी इंडस्ट्री है। मतलब हमने 100 लोगों को जोड़ा, 90 को नेगेटिव किया, 10 को पॉजिटिव, 90 को नेगेटिव, 10 को पॉजिटिव। अल्टीमेटली इन कंपनियों की वजह से जिनके प्रोडक्ट लोगों की जरूरत के नहीं है, जिनके लोगों की नीड के नहीं है, और लोगों को जो लालच देकर अपने साथ जोड़ लेते हैं, और फिर वो लोग काम तो करते नहीं है और प्रोडक्ट उनके काम का नहीं होता, तो वो जो वर्ग है समाज का, वो बहुत नेगेटिव इस बात को लेके। तो असली जो नेगेटिविटी है वो यहां से शुरू हुई। ये समझ पा रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो स्वरूप था वो कुछ और था, लेकिन हिंदुस्तान के लोग इमोशनल है, हिंदुस्तान के लोग अपनों पर भरोसा करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बिकते, फेस बिकता है, फेस वैल्यूज बिकती है, उसकी वजह से लोगों ने यहाँ के लोगों को यूज किया, और एक बहुत बड़ा तबका जो नेगेटिव हुआ उसके पीछे लोग जिम्मेवार नहीं है, कहीं ना कहीं कोई कंपनी जिम्मेवार है। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदुस्तान में धनलक्ष्मी यंत्र, बजरंग बली यंत्र, सनी यंत्र, क्या क्या बिक जाता है। इमोशनल लोग हैं, समझ, बेचारे बहुत सीधे साधे लोग हैं। मामा मामा भांजे के पास गया, भांजा खरीद लेता है, चाचा भतीजे के पास गया, भतीजा खरीद लेता है, वो उसे खरीदता है सर, उसकी विश्वास को, उसके यकीन को खरीदता है, उस रिश्ते को खरीदता है, प्रोडक्ट को नहीं खरीदता। और ये जो कंपनियां हैं जो गलत तरह के प्रोडक्ट लेके आई थी, इन्हें कहते हैं नेगेटिव प्रोडक्ट। अभी नेगेटिव प्रोडक्ट की एक लिस्ट है, वो नेगेटिव प्रोडक्ट लेके आई थी, उन्होंने ये रिश्तों से खेला, और इस तरह क्या हुआ कि 100 लोग अगर किसी कंपनी में जुड़े तो 90 नेगेटिव है। और सर, ये 20 साल से ये काम चल रहा है, तो आप ये मान लीजिए कि समाज का हर एक आदमी किसी ना किसी कंपनी का जला हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हम लोग किसी को बात करते हैं तो जब लोगों से बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, लेकिन यहाँ तो छाछ के जले हुए बैठे हैं, वो क्या फूंक के पिए। लेकिन आगे मैं बात बढ़ाते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा आप बोल रहे कि मार्केट नेगेटिव नहीं था, लोग, समाज नेगेटिव नहीं था, कुछ नेगेटिव प्रोडक्ट्स थे जो नो नीड, नो वर्ट, नो यूज के थे, जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिविटी आई। तो अगर इतने नेगेटिव प्रोडक्ट हैं तो फिर ऐसी कंपनियां मार्केट में क्यों चल रही है, वजह क्या है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे भी कई लोग बोलते हैं कि सर, आप बात करते हो इन कंपनियों के बारे में, इस तरह से बताते हो कि इथिकल डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, लीगल नहीं है। सर, ये कंपनियां इसीलिए चल रही है क्योंकि जब तक दुनिया में रिश्ते चलते रहेंगे, बाप बेटे का रिश्ता खत्म नहीं होगा, भाई बहन का रिश्ता खत्म नहीं होगा, मामा भांजे का खत्म नहीं होगा, चाचा भतीजे का खत्म नहीं होगा, वो यकीन, वो विश्वास जब तक बना रहेगा, जब तक ये कंपनियां चलती रहेगी। दूसरी बात, जब भी इन कंपनियों में कोई आदमी पहली बार सेमिनार देखने जाता है, उसे क्या पता, वो तो देखता है स्टेज के ऊपर, अरे भाई ये करोड़पति, ये अरबपति, मोटिवेशन मिलता है उसे, कहता भाई मैं भी बन जाऊंगा, फिर वो पैसे दे देता है बेचारा वहां पर, उसे क्या पता कल तेरे साथ क्या होगा, तुझे मार्केट से रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसे नहीं पता ना मार्केट से कल रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, कल तेरे साथ क्या होगा। तो वो व्यक्ति वो उनके मोटिवेशन के जंजाल में फंस के वहां पर घुस जाता है और पहली बार होता है। देखिए सर, मैं एक बात बताना चाहता हूं और जितने लोग सुन रहे हैं इस बात को बड़ा ध्यान से सुने, जो भूखा आदमी होता है ना, यहां पर कौन आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, कौन आते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब भूखे होते हैं, इनके पास सपने होते हैं, इन्हें किसी भी कंपनी का पहली बार जिंदगी में जो प्रोग्राम देखते हैं ना, ये उससे इंस्पायर होकर जुड़ जाते हैं। भूखे आदमी को आप कच्ची रोटी दे दो, पकी रोटी दे दो, आधी पकी कच्ची दे दो, बेचारा खा लेता है। लेकिन जब समझदारी आती है तो समझ में आता है कि ये 5-6 साल ये जो तूने मोटिवेशन के चक्कर में निकाले, ये जो इन कंपनियों के चक्कर में निकाले, ये आडंबर में निकाले, फिर बहुत लेट हो जाता है। वो एक कहावत है, व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम ऑफ योर लाइफ यू आर टू ओल्ड टू प्ले, वो 5-6 साल उसके बर्बाद हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पहली बार लोग आते हैं और इस मोटिवेशन के जंजाल में फंस के बाद में जब तक उन्हें बेचारों को समझ आती है तब तक समय उनका बीत चुका होता है। कि पहले आप
एसलीपीएस वेलनेस से पहले किसी कंपनी में काम किया करते थे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे, उसके बाद आपके मन में एसलीपीएस वेलनेस खोलने का विचार आया, कहीं इसके पीछे भी कोई ऐसी वजह तो नहीं रही कि आपका मन में भी पैसे बनाने का मकसद हो, या लालच कहीं आपके मन में जाग गया हो तो उसकी वजह से आपने डायरेक्ट सेलिंग को छोड़कर कंपनी खोलने का डिसीजन ले लिया? इसमें ना महिपाल जी, एक सवाल मेरे पास भी आया था, वो सवाल ये था कि सर डायरेक्ट सेलिंग में लोग बहुत पैसे कमा लेते हैं, मर्जीज फरारी ले लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सोशल रिस्पेक्ट नहीं होती, तो वहां से मेरी कहानी वहीं से मैच होती है। तो मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है कि डायरेक्ट सेलिंग के लीडर की सोशल रिस्पेक्ट नहीं है, जबकि होनी चाहिए, क्योंकि जो काम डायरेक्ट सेलिंग के लीडर करते हैं लोगों को कामयाब करते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं, टैलेंट देते हैं, मोटिवेट करके रखते हैं, एक नाकामयाब को कामयाब बनाते हैं। मैं तो ये कहूंगा डायरेक्ट सेलिंग का लीडर से बड़ा धर्मात्मा इस धरती के ऊपर दोस्तों कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर हो, क्योंकि भैया दान करना एक दिन कर सकते हो, अनाथ आश्रम में एक दिन दान कर सकते हो, मंदिर में एक दिन दान कर सकते हो, मस्जिद में एक दिन दान कर सकते हो, लेकिन दुनिया का सर्वोपरि दान है किसी नाकामयाब को कामयाब करना, और ये डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स करते हैं। तो क्या इनको सोशल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो आवाज आती है मिलनी चाहिए। क्या मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती। फिर मैं वही कहूंगा क्यों नहीं मिलती? एक लड़के ने एक बिजनेस शुरू किया अपने गांव से, आदमी पहले कहां जाता है? रिश्तेदार और गांव वालों के पास जाता है जब भी किसी कंपनी में जुड़ता है, औरतों से ऐसा तो नहीं रोड चलते किसी को प्लान दे देगा। अब जब वो उनके पास जाता है, वो उसकी भरोसे में बात मान के विश्वास करके पैसे दे देते हैं उसे, रिश्तेदार भी और सारे गांव वाले भी। अब अगर वो किसी गलत कंपनी के साथ ज्वाइन है जिसने हवा बेची है, जो प्रोडक्ट के नाम पर पागल बना रही है, जो अपॉर्चुनिटी सेलिंग जो चलता है आज मार्केट में, अपॉर्चुनिटी सेलिंग, सर मुझे अब तक ये समझ में व्हाट इज द ब्लडी अपॉर्चुनिटी सेलिंग, अपॉर्चुनिटी सेलिंग होता क्या है? ये हवा कहां बिकती है? अगर ये हवा बिकती तो रिलायंस अंबानी टाटा बिरला एप्पल सैमसंग एलजी क्यों नहीं बेच रहे? ये क्यों 24 घंटे प्रोडक्ट की आरएनडी पे लगे रहते हैं? क्यों प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं? रोज एडवांस वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी हजारों लाखों फैक्ट्रियां लगाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की कुछ कंपनियों में बड़ा मजेदार एक डायलॉग है, अपॉर्चुनिटी सेलिंग। अरे भाई क्या होती है अपॉर्चुनिटी सेलिंग? मुझे आज तक समझ नहीं आया। तो वो अपॉर्चुनिटी सेलिंग वाली कंपनियों में जो बच्चा फंस जाता है, फिर वो अपने गांव को जोड़ देता है, अपने रिश्तेदारों को जोड़ देता है, वो 100 लोगों को जोड़ता है महिपाल जी, वो 10 लोग काम करते हैं, 90 लोग नेगेटिव हो जाते हैं। अब जो वो बच्चा बीएमडब्ल्यू फरारी लेके आता है और अपने मामा के घर के आगे से निकलता है ना, तो सगा मामा बोलता है भांजे नहीं मिला था लूटने के लिए, सगी बुआ बोलती है भतीजे मुझे 15,000 डुबो के, 20,000 डुबो के, 10,000 डुबो के, 500 रुपए कमा के, 1,000 रुपए कमा के तूने मेरा नुकसान करना था, ये गाड़ी है ना तूने मेहनत से नहीं ली, लोगों को लूट कर ली है। और रियली वो कंपनियां उनके प्रोडक्ट जो इस तरह के बेचती हैं, वो रियली लोगों के रिश्तों से खिलवाड़ करके लोगों को लूट रही है। अब ये बताइए, जब गला रिश्तेदार ही हमारे खिलाफ हो गए, जब हमारे गांव के हमारे खिलाफ हो गए, तो भाई साहब सोशल रिस्पेक्ट करेगा कौन? इसका एक ही कारण है, हवा बेचना, अपॉर्चुनिटी सेलिंग। जो भी लोग अपॉर्चुनिटी सेलिंग करेंगे उनको कभी मार्केट में सोशल रिस्पेक्ट ना मिलती थी ना मिलेगी, ये मैं गारंटी देता हूं। और जो लोग ईमानदारी से अच्छे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट में रिजल्ट है, प्रोडक्ट गरीब आदमी के काम आ रहे हैं, गरीब आदमी रो नहीं रहा पैसे दे के, पैसे लगा के उसकी आत्मा उसे बद्दुआ नहीं दे रही, उसकी आत्मा दुआ दे रही है, उनकी मैं बताता हूं महिपाल जी इतिहास रचा एसलीपीएस वेलनेस के फाइटर्स ने, लीडर्स ने, और सबको बताता हूं। अभी देख लेना 15 अगस्त आ रहा है, हमारे फाइटरों को लोग झंडा फहराने के लिए बुलाते हैं, लीडर्स को। यस सर, ये है सोशल रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने अगर 100 लोगों को प्रोडक्ट दिया है ना सर, मैं सबकी 100 out of 100 की बात नहीं करता, पर 80% को रिजल्ट आता है, 20% को नहीं आता, तो हम 100 में से 80 को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो ये मुहिम हमने 6 साल पहले चलाई। और दूसरी बात, एक आखिरी बात, मैं लीडर्स आपसे बात पूछना चाहता हूं, ये जो एक डायलॉग आता है आपके सेमिनार में, कोई भी अच्छी चीज अगर आप खरीदते हो तो 4 आदमी को बताते हो आपको पैसे नहीं आते, कोई भी अच्छी चीज आप खरीदते हो 4 आदमी को, कोई अच्छी पिक्चर देख के आते हो 4 आदमी को दिखाते हो पैसे नहीं आते। अरे मेरे भाई इसमें एक लाइन है, अच्छी चीज खरीदते हो तब 4 आदमी को बताते हो, क्या कोई गलत फिल्म देखकर फ्लॉप फिल्म देखकर कभी 4 आदमी को लेके गए? क्या गलत स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया तो उस स्कूल को प्रमोट किया? क्या गलत डॉक्टर को खुद को दिखाया तो प्रमोट किया? तो मेरे भाई एक बात ध्यान में रखो, ये बात, गलत चीजें प्रमोशन में नहीं होती, मैन टू मैन एडवर्टाइजमेंट अच्छी चीजों का होता है। तो ये बात भी ध्यान रखा करो कि अच्छी चीज खरीद के लाते हैं, और अच्छी चीज वो होती है जो लोगों के नीड की हो, लोगों के यूज की हो, लोगों के वर्थ की हो। बिल्कुल
सर हम इसी के पीछे थे कि डायरेक्ट सेलिंग करते करते मेरा सवाल कुछ बीच में रह गया कि आखिर ये कंपनी खोलने के पीछे वजह क्या रही होगी। भाई डायरेक्ट सेलिंग करते करते मेरी अच्छी खासी टीम थी जिस भी कंपनी में मैं काम करता था, लेकिन मैंने पैसे कमाए थे, मैंने गाड़ी भी ली, मैंने बंगला भी लिया, मेरे पास अचीवमेंट भी थी क्योंकि समझ सकते हो तो मैं एक्स्ट्रा मेरी टैलेंट yes, नहीं कहूंगा, मेहनत थे मेरी। लेकिन जो लोग मेरे साथ थे ना उनका सक्सेस रेशियो बहुत कम था। मान लो मेरे पास 20,000 लोग थे ना तो उसमें मात्र 20 ही आदमी पैसे कमा रहे थे। ओके तो जब नीचे वाले बच्चे पैसे नहीं कमा रहे थे और उनकी हार लगती थी ना, कोई कमरा लेके कहीं पड़ा है, कोई कमरा ले, एक लड़का था मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उस लड़के ने मुझे फोन किया कि गुरुजी मैं कमरा लेके रहता हूँ और जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ लोग मेरे मुंह पे फेंक के चले जाते हैं और मेरे को 5 साल हो गए मैं अभी तक कुछ नहीं कमा पाया। तो वो चीज मुझे दर्द दिया एक बात। दूसरी बात, जिन लोगों को मैंने प्रोडक्ट बेचे थे जहां भी मैं काम करता था, मैंने बीमे में बहुत बेचे थे, तो जिन लोगों ने मुझसे बीमे लिए उनमें चाचा फूफा मामा रिश्तेदार साला साली बहुत लोग थे, तो जो उनकी 4 साल हुई और पैसा लेने गए 60,000 उन्होंने जमा कराया तो उन्हें 30,000 रुपए मिले। 60,000 के 30,000 क्योंकि नेगेटिव प्रोडक्ट था ये। मान लो आप ऐसी पॉलिसियां थी जो किसी काम की नहीं थी, सिर्फ हवा बेची थी हमने। तो अब जब हम गाड़ी वाले बन गए, बनने वाले भी बन गए, तो जिस गली से निकलते हमारे रिश्तेदार बोलते हुए हमें लूट के तूने गाड़ी ले ली, हमें बर्बाद करके हमारे 30,000 डुबो के हरामजादे तू आज बंगले में घूम रहा है, अगर तुझे 1,000 रुपए चाहिए तो भीख मांग लेता। तो उन चीजों से मैं इतना निराश हो गया, इतना हताश हो गया। एक तो लोग नाकामयाब मेरे साथ, 20-30 हज़ार लोग थे उनमें बहुत कम कामयाब। एक जो मैंने कमाया तो नाम नहीं कमाया, सम्मान नहीं कमाया, पैसा आया लेकिन सोशल रिस्पेक्ट मेरी गायब हो गई। ये सोच के महिपाल जी आपको अगर मैं सही बताऊं तो मैंने तो काम ही छोड़ दिया था। मैंने डायरेक्ट सेलिंग को 2012-13 में रिजाइन ही कर दिया था। 12 में मतलब इस इंडस्ट्री से आप आउट हो गए थे? हाँ, हमेशा के लिए। मैं आपको रियल बताऊं, मैं मतलब मेरा दिल उब गया, मैं कहा साला ये घटिया काम नहीं करना। क्योंकि हमें ना पता क्या सिखाया गया था कि बुरी चीजें बेच कर अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो मेरे गले से नहीं उतर रहा था। अरे भाई एप्पल भी बेच रहा है मोबाइल, सैमसंग भी एलईडी बेच के कमा रहा है, मारुति कार बेच के कमा रही है, घटिया प्रोडक्ट बेच कर ही अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं ना, ये बात मेरे गले नहीं उतरी। तो मैंने रिजाइन ही कर दिया इस इंडस्ट्री को और मैं 2 साल के लिए अपना निकल गया, जैसा भी मेरा वक्त गुजरा। लेकिन इस 2 साल में जो है मुझे काफी नॉलेज मिली, काफी आइडियाज मिले, क्योंकि वो कहते हैं ना डायरेक्ट सेलिंग है, काम तो छोड़ दिया 2 साल लेकिन इतनी दूरी नहीं बना पाया कि इससे बिल्कुल टच ना रहूं। ये कहते हैं प्लास्टिक का कीड़ा है ना मरता है। मार्केट में एक ऐसा लोग बोलते हैं कि एक बार जिसके अंदर एक कीड़ा घुस गया वो छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं छोड़ नहीं पाया, तो मैंने फॉरेन कंट्रीज में बात, यूएसए वगैरह के कुछ लोग मुझसे जुड़ गए थे, कनाडा के कुछ लीडर जुड़ गए थे, तो डिस्कशन होने लगा। तो जैसे डिस्कस होता है इंडियन एमएलएम इंडस्ट्री वहां की इंडस्ट्री, तो काफी डिफरेंस मैंने देखा। मैंने देखा उन कंट्रियों में ना करोड़ों अरबों खरबों के टर्नओवर से सर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के, कारण बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट। वो लोग कहते हैं उनका उनकी पंच लाइन है बिजनेस करने की उनकी बाहर की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की, कि इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाओ जिसकी टक्कर का ट्रेडिशनल मार्केट में ना मिले। ओके वो कहते हैं कि अगर तुम्हारी क्वालिटी ट्रेडिशनल मार्केट में मिल गई तो तुमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्यों बनाई और क्यों प्रोडक्ट बेचे। मतलब उनका प्राइमरी प्रोडक्ट सेलिंग है, अपॉर्चुनिटी बाहर में जाए बाद में सेकेंडरी है। और आज इंडिया में अगर मैं बात करूं सबसे बड़ा टर्नओवर किसका है? एमवे का। क्यों है? प्राइमरी प्रोडक्ट सेलिंग है, 3,000 करोड़ का टर्नओवर है। ये हवा बेचने वाली कंपनी अभी तक नहीं कर पाई, ना कभी कर पाएगी 3,000 करोड़ का। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट नहीं है। तो बाहर जब मुझे ये नॉलेज मिली कि इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करी जा सकती है अगर प्रोडक्ट आपका ऐसा हो कि जिसकी टक्कर का प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट में ना हो, आप डंके की चोट पे अपना प्रोडक्ट बेच सको और लोगों को कह सको कि तू हमारी कंपनी से ले, बाजार में तुझे इस क्वालिटी का प्रोडक्ट। एक बार अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट किसी ने यूज किया तो जिंदगी भर वो दीवाना हो जाए उस प्रोडक्ट का, रीपर्चेज करे, बार बार हमें याद करे, जिस आदमी ने प्रोडक्ट दिया उसकी इज्जत करे, उसको रिगार्ड करे, उसको दुआएं दे, उसे बद्दुआएं ना दे। तो जब सी मुझे ये बात पता चली कि बुरी चीजें नहीं, अच्छी चीजें बेचकर भी डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है, तब फिर मैंने विचार बनाया कि चलो भाई शुरुआत करते हैं। जैसे आपने एक अभी कहा कि सर आपके मन में लालच तो नहीं था कंपनी बनाने के पीछे, तो महिपाल जी जब मुझे नॉलेज हो गई
कि भाई अच्छी प्रोडक्ट भी हैं, दुनिया में अच्छी कंपनियां भी हैं जिनके अच्छे प्रोडक्ट बेचकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, और नीड के प्रोडक्ट, यूज के प्रोडक्ट, वर्क के प्रोडक्ट। तो मैंने क्या किया, आकर कंपनियां सर्च करनी शुरू करी। फॉरेन कंपनी में तो मैं काम नहीं करना चाहता था, तो मैंने इंडियन कंपनी ज्यादातर सर्च करी कि चलो यार अच्छी कंपनी में काम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी इंडिया में भी, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनके प्रोडक्ट देखे, बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिले मुझे कुछ कंपनियों के, तो पैसा नहीं, कोई कंपनी पैसा दे रही है तो प्रोडक्ट नहीं, कहीं ना कहीं मुझे उनकी नीयत में वो चीज लगी नहीं जो होनी चाहिए, खोट कहीं ना कहीं दिखा। मतलब जरा प्रोडक्ट अच्छा है तो कंडीशन इतना, कंडीशनल प्लान इतना है कि पैसा नहीं दे रहे, और पैसा दे रहे हैं तो प्रोडक्ट के नाम पे कूड़ा कचरा दे रहे हैं। तो फिर मैं हताश हो गया, मतलब इंडिया की कोई कंपनी मैंने नहीं छोड़ी, कंपनियां बहुत अच्छी हैं लेकिन मेरे, मैं कह सकता हूं मेरे विचारों पे वो खरी नहीं उतरी। तो मैंने सारी कंपनी ट्राई करी है महिपाल जी, कोई छोड़ी नहीं। मैं नेटवर्किंग करना चाहता था, मैं कंपनी कभी नहीं खोलना चाहता था, ये बात मैं सबको बता रहा हूं, मैं कभी जिंदगी में कंपनी खोलना नहीं चाहता था, क्योंकि कंपनी खोलना एक नेटवर्कर का काम ही नहीं है। मैं एक मोटिवेटर था, एक ट्रेनर था, एक लीडर था, मुझे पैसिव इनकम में जो मजा आता किसी कंपनी में काम करके 10-20 लाख का नेटवर्क बना के, जो आज मैं जिंदगी जी रहा होता आज वो नहीं जीता। आज लाखों लाइबिलिटीज मेरे ऊपर है, मैं पहले भी जानता था, इतना मैच्योर था कि कंपनी बनाना अपने आप में बहुत बड़ा, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा प्रेशर है, आपको हर दिन हर घंटे फोकस रहना पड़ेगा, आप कभी भी कंपनी मालिक होकर पैसिव इनकम नहीं ले सकते। तो महिपाल जी मैं कंपनी नहीं बनाना चाहता था। मतलब आपका कंपनी बनाने का कोई मकसद नहीं था? बिल्कुल नहीं। ये कंपनी मैं ऐसा समझ सकता हूं कि चाहत में नहीं, मजबूरी में बनी है। मैं बताता हूं आपको, मैंने फिर एक कंपनी फाइनल करी लास्ट में कि चलो इसमें काम करते हैं, सितंबर 2014 में, बस आज फाइनल करी, कल उसकी भी नियत में खोट दिखा। मतलब कि दिखाई नहीं कि कोई लोगों के लिए कुछ करने आ रही है, पब्लिक के लिए कुछ समर्पण के साथ आ रही है कोई कंपनी, ऐसा लग रहा है बस सब लूट का माल निकाल लो जितना निकाल सकते हो बस। फिर मैंने कहा चलो भाई ये झंडा हम ही पकड़ते हैं। लालच था, किस चीज का लालच था, जो लोग मेरे साथ जीवन लगाया था, जो नाकामयाब हो गए थे उनको कामयाब करने का लालच था। लालच था मुझे उन लोगों के लिए जो 6-6 साल से कंपनियों में धक्के खा रहे हैं और आज उनके घर वाले कहते हैं तूने क्या घटिया प्रोफेशन चुना, और जिनको कामयाबी नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आ रही, उनको कामयाब करने का लालच था। हर दुखी नेटवर्कर जितना था इंडिया में उसको सुखी करने का, हर नाकामयाब नेटवर्कर को कामयाब करने का लालच मुझ में कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। और इसी लालच ने कंपनी खुलवाई, क्योंकि मैंने ये सोचा कि संजीव कुमार जब तेरे जैसे टैलेंट को कोई प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं लग रहा, तो हजारों लाखों लोग तेरे तड़पे हुए हैं जिन्हें एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश होगी, अच्छे एथिक्स, अच्छे प्रिंसिपल, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे प्लान की तलाश होगी। तब मैंने झंडा उठाया और 6 साल से आप लोगों के साथ लेके चल रहा हूं। एक सवाल सर है कि इतना आपने रिसर्च किया, तकरीबन आप बता रहे हो कि 1.5-2 साल आपने गैप दिया, उसके बाद रिसर्च किया, आपको कोई कंपनी अच्छी नहीं मिली, कुछ कमी कहीं मिली, कहीं कमी कुछ मिली, उसके बाद भी आपने कंपनी खोलने का रिसर्च किया। मुद्दा यह है कि इतना रिसर्च करने के बाद ऐसा कौन सी खासियत और वजह दिखाई दी जिसकी वजह से आपने वेलनेस इंडस्ट्री का चुनाव किया, और वेलनेस इंडस्ट्री में भी खासकर आयुर्वेदा को चुना, इसके पीछे की कोई वजह? इसके पीछे की वजह यह है कि जब मैं रिसर्च कर रहा था, 2 साल का जो मेरा गैप था, और जो मैंने कहा यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह, जापान वगैरह, जिन भी लोगों से, लीडरों से मैं टच में था, तो जब मैं उनसे बात करता भी तुम्हारे सबसे टॉप में कौन सी कंपनी है, तो कहते सर वेलनेस कंपनी, वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय की ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज। आज लाइफ स्टाइल डिजीज आप देख रहे हो, बोलबाला है उनका, शुगर वुगर, बीपी, हार्ट अटैक, ये सब चीजें, तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, इसका सोल्यूशन किसके पास है? ओनली वेलनेस इंडस्ट्री के पास है, और किसी के पास इसका सोल्यूशन नहीं है। अब वेलनेस में मैंने आयुर्वेदा को क्यों चुना, क्योंकि वेलनेस में आज हमारे पास फूड सप्लीमेंट भी है, आयुर्वेदा नहीं अभी लेके आए हम, लेकिन मैंने आयुर्वेदा को प्रेफरेंस क्यों दिया, क्योंकि 5000 साल पुराना इतिहास हमारा बताता है कि हमारा आयुर्वेद कितना पावरफुल है, बड़ी से बड़ी लाइलाज बीमारी भी आयुर्वेद ठीक करता है। और अब ये कोरोना काल में भी बताना पड़ेगा मुझे, अब तो दुनिया मान रही है कि आयुर्वेद जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो मैंने आयुर्वेद को इसलिए चुना क्योंकि मैं ऐसा प्रोडक्ट देना चाहता था जिसमें नीड हो, जो जरूरत का हो, जिसमें लोगों को वर्थ हो, और जिस प्रोडक्ट को लेके लोग बद्दुआ ना दें, मैं कह रहा दुआ ना दें हमें कोई, बद्दुआ भी ना दें, मुद्दा ये था। दूसरी बात, हमारा प्रोडक्ट अगर कोई आदमी लेता है ना सर, तो ऐसे नहीं लेके रख लेता लाओ लाओ लाओ, वो पक्का बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लेगा, या उसके घर में कोई परेशानी होगी उसको ठीक करने के लिए लेगा। कहने का मतलब हम चिपकाते नहीं है,
हम जरूरत पैदा नहीं करते, लोगों को जरूरत होती है, वो प्रोडक्ट हम देते हैं। तो आयुर्वेद जो कर सकता है, जो चमत्कार, वो आप हमारे यूट्यूब पे जाके हमारे टेस्टिमोनियल देख सकते हैं कि मैंने आयुर्वेद चुना तो आज उसने क्या चमत्कार किए, क्या रिजल्ट दिए। और आयुर्वेद को कल तक तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था सर, आज तो पूरा वर्ल्ड बोल रहा है। सर ये आगे सवाल है, एक मुकेश कुमार भी है, एक राजेंद्र कुमार जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट हम जिनको भी देते हैं वहां से हमें बहुत ज्यादा दुआएं मिलती हैं, और लोगों के घर में जब जाते हैं तब लोग भगवान की तरह पूछते हैं, जैसा कि आज तक किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी डायरेक्ट सेलर को पूछा नहीं गया इनका। लेकिन सवाल ये बोल रहे हैं कि एक सवाल आ रहा है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी शुरू शुरू में ग्रोथ करने के लिए प्रोडक्ट अच्छे दे और जब थोड़े दिन के बाद में कंपनी बड़ी हो जाए उसके बाद उसके रिजल्ट कम कर दे। मेन सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि जिंदगी भर ऐसे ही रिजल्ट रहे। 9 नवंबर 2014 को शुरुआत हुई थी, शुरुआत तब हुई थी, आज तो 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से आज तक प्रोडक्ट क्वालिटी डाउन नहीं हुई। देखिए सर, जिस कंपनी का बेसिक प्रोडक्ट हो, जिसका बेसिक क्वालिटी हो, अगर प्रोडक्ट में मैं कल कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करता हूँ, और जिसने भी आज तक किया है उसका ग्राफ ऊपर नहीं गया, उसका ग्राफ नीचे गया है। आई एम द फॉलोअर ऑफ स्टीव जॉब्स, मैं फॉलोअर हूँ स्टीव जॉब्स जैसे लोगों का, जिन्होंने एप्पल जैसा एक ब्रांड बनाया और आज तक उसे अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए, अपग्रेड करते चले गए, क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाने दी। इसीलिए उनका फोन लाइन में लग के बिकता है, इसीलिए एसलीपीएस का प्रोडक्ट लाइन में लग के बिक रहा है। कोई डाउट नहीं है कि आज लॉकडाउन जैसे टाइम में भी लाइन में लग के प्रोडक्ट बिक रहा है, क्योंकि मेरी क्वालिटी। अच्छा एक बात बताऊं, क्वालिटी गिराए क्यों जाएगी? लालच, बिल्कुल पैसा बचाना होगा, इंग्रीडियंट महंगे हो गए, टैक्सेस महंगे हो गए, हाँ कंपनी को पैसा कम बचने लगा तो प्रोडक्ट क्वालिटी गिरा दी जाएगी, ऐसे गिराते होंगे लोग। बिल्कुल। देखो हर आदमी का अपना अपना बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मेंटेलिटी है हर आदमी की। हर आदमी आपने देखा होगा, एक लखानी की चप्पल भी बनती है और रिबोक की चप्पल भी बनती है। बिल्कुल। रिबोक का ग्राहक भी है और लखानी का ग्राहक भी है। तो मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मैं इसलिए मेंटेन करता हूं हमेशा, क्योंकि मुझे पता है मुझे आप जो भी कुछ बनाया है एसलीपीएस आज जहां भी पहुंचे क्वालिटी कैसे पहुंचे। अब मुझे लालच आ गया, टैक्स बढ़ गया, कोई अभी जैसे आप देख रहे हो अश्वगंधा गिलोय और अपना काढ़ा और अपना मुलेठी सुन रहे हो गए आप रोज टीवी पे, आपका टीवी पे डेली आ रहा है, रेट बढ़ गए इनके, लोगों ने दुगने रेट कर दिए, मार्केट है, हिंदुस्तान है, लेकिन मैंने अभी तक रेट नहीं बढ़ाए जब तक मैं मजबूर ना हो जाऊं, लेकिन मैंने पानी भी नहीं मिलाया। मैं ये सोचता हूं पानी मिलाने से अच्छा, क्वालिटी गिराने से अच्छा पैसे बढ़ा दो ना भाई। अरे पब्लिक या तो एक्सेप्ट करेगी रिजेक्ट करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कई कंपनियों में नहीं पैसे मत बढ़ाओ, लीडर नाराज हो जाएंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, अरे होने दो नाराज, क्या फर्क पड़ता है? कस्टमर सेटिस्फाइड है ना तो लीडर अपने आप सेटिस्फाइड है। कस्टमर को क्वालिटी मिलेगी वो खरीदता रहेगा, लीडर पैसे कमाता रहेगा। मैं लीडरों की नाराजगी कभी नहीं देखता कि लीडर कहां नाराज होंगे कहां नहीं होंगे, मैं ये देखता हूं कस्टमर नाराज नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर नाराज है तो लीडर खुश रह ही नहीं सकता, और कस्टमर कब खुश रहेगा? जब उसको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, उसको रिजल्ट आएगा। मैं मतलब शॉर्टकट में बताता हूं जी, अगर मुझे कभी ऐसा लगा तो मैं रेट बढ़ा दूंगा लेकिन क्वालिटी नहीं गिराऊंगा। सर एक लक्ष्मण ढूकिया जी हैं जो सवाल पूछते हैं कि सर जब मार्केट में जाते हैं तो बार बार एक चीज आती है और कुछ दूसरी कंपनी के लोग भी उनको ये बोलते हैं कि सर असली पीएस वेलनेस के प्रोडक्ट महंगे बहुत हैं, इतने महंगे क्यों हैं? भाई देखो ये सवाल मेरे सामने भी बहुत आता है, अब इसका जवाब मैं ऐसे कैसे दूं कि भाई प्रोडक्ट महंगे किए गए हैं मैंने किए हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसको ध्यान से समझना, मैं सभी जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान से समझिए, प्रोडक्ट हमारा महंगा है 100% मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे कुछ लॉजिक फैक्टर्स हैं, कारण है इसके पीछे। इसके पीछे वो MLM के मालिक वाली सोच नहीं है कि वो बस कुछ भी बनाओ घोलो पोलो आईडी में दो निकालो दो आदमी जोड़ो लोगों को बोल दो पैसा कमाओ, नहीं इसके पीछे है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सर हमारे प्रोडक्ट के लिए भी मैं कह सकता हूं सबसे महंगा पर सबसे अच्छा। यस, सबसे महंगा सबसे अच्छा। ये महंगा क्यों बनता है इसके पीछे रीजन लोग जानना चाहेंगे, जानिए आप लोग, और आप लोग इसे सर्च करेंगे, आजकल गूगल बाबा है सारी नॉलेज देने के लिए। हर प्रोडक्ट में एक रॉ मटेरियल डलता है, अब रॉ मटेरियल की सोर्सिंग सबकी अलग अलग है, कोई एक्सट्रैक्ट से ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सट्रैक्ट खरीदते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल देता हूं अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट अगर आप 1 किलो खरीदोगे महिपाल जी तो 1200 रुपए किलो मिलेगा, 1200 रुपए किलो एक्सट्रैक्ट, रेशो मिलेगा 4:1, मतलब 4 kg अश्वगंधा का 1 kg एक्स्ट्रैक्ट है, 1 किलो एक्स्ट्रैक्ट है, और वो आपको कह रहा है जी 1200 रुपए में, ठीक है। और अगर आप अश्वगंधा को जड़ से खरीद के लाओगे तो रेट है 700 रुपए। अच्छा,
700 का, वो कह रहा है जी मैंने 700 रुपए का पाउडर बनाया है और मैं 1200 में दे रहा हूं, 2800 रुपए का 4 किलो का, 700 × 4 किलो 2800, और मैं 1200 कैसे दे रहा है भाई? या तो बैंगन की जड़ मिला रहा है या उल्टी सीधी चीजें मिला रहा है, भूसा मिला रहा है, रसगंधा का पाउडर दे रहा है। अब जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती है उन्हें मजा आ रहा है, उन्हें 1200 रुपए किलो का रसगंधा मिलता है, डीएम वाटर मिलता है, बनाती है, प्रोसेसिंग करती है, बोतल भरती है, भेज देती है बाजार में। अश्वगंधा है नहीं, उसका नाम है। नहीं अश्वगंधा है पर बहुत नाम आधी मात्रा में, आधी से भी कम मात्रा में एक्सट्रैक्ट। हम लोग एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करते। ओके, सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट इसलिए महंगा होता है। कोई भी व्यक्ति हमारे फैक्ट्री में जाए, जयपुर में फैक्ट्री है, जाके देखे, हम एक्सट्रैक्ट यूज नहीं करते, हम रो हब्स यूज करते हैं। अब रो हब्स जो लोगों को 1200 में मिल रही है, जितनी भी कंपनी काम कर रही है सबको 1200 में मिल रही है, मुझे 2800 में मिल रही है। मेरा आंवला है, मेरा आंवला मध्य प्रदेश जंगलात से आता है, जंगली आंवला मैं यूज करता हूं। मैं ये आंवला जो आपका बाजार में बिकता है यूज नहीं करता, मैं जंगली आंवला यूज करता हूं। बाजार का आंवला 100 रुपए किलो है तो जंगली आंवला 400 रुपए किलो है। जिनसिंग है, जिनसिंग आप फैक्ट्री में किसी को भी भेजिए, अचानक भेजिए, अकस्मात भेजिए, किसी को भी बोला जाके निरक्षर कर छापा मारे सिलेबस की फैक्ट्री पे। एक कोरिया की जिनसिंग है जो 2500 रुपए किलो आती है, एक चाइना की जिनसिंग है, एक एग्जाम्पल है रेट का, 1000 रुपए किलो आती है। हम कोरिया की जिनसिंग यूज करते हैं, लेकिन दोनों है जिनसिंग, दोनों जिनसिंग है। स्पैरोलुना है, हमारा ओरिजिनल स्पैरोलुना, चाइना का स्पैरोलुना जो आता है ना सर, 1000 रुपए किलो है, हम यूज करेंगे वो 5000 रुपए किलो के, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं। हमारा रो मेटीरियल क्वालिटी अपर लेवल का है और रो है, रो हब्स यूज करते हैं। उन हब्स को हम उबालते हैं, फिर जड़ से लेके पूरा फल तक उसका काढ़ा निकालते हैं, फिर प्रोसेसिंग करते हैं, तब हम चीज बनाते हैं। तो प्रोसेसिंग, रॉ मेटेरियल क्वालिटी, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। एक एग्जांपल देता हूं, सब लोग सुनो, कोई एमडी इतना सच नहीं बोलेगा। तुलसी बाजार में आप किसी भी कंपनी से बनवाओ तुलसी, 20-25 रुपए में बना के दे देगा विद बोतल पैक। मेरी तुलसी का बिल, कोई भी आके मेरे पास आके देखे मेरा बिल, मेरी जो कोस्टिंग शीट है फैक्ट्री की, हमारी 75 रुपीज है, 75 रुपीज हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तुलसी की, तो मैं 308 में बेच रहा हूं। लोगों की तुलसी 20 रुपए में विद पैकिंग बन रही है। आप पूरी इंडिया की किसी भी सप्लायर से ले लो, 20 रुपए में डब्बा पैक करके तुलसी दे देगा। मेरी तुलसी की कॉस्टिंग है ना वो 75 रुपए है, और कोई भी आगे देख सकता है वो। अब क्यों है, अब बाजार की तुलसी के 10 बूंद और मेरी तुलसी का 1 बूंद, बिल्कुल है। तो सर या तो लोगों को लूट लो, बेवकूफ बना लो, या ईमानदारी से काम करना है तो फिर पैसे तो रखने ही पड़ेंगे। अब 75 की तुलसी और 25 की तुलसी में 5 गुना का फर्क हो गया महिपाल जी, 3 गुना का, तो मैं सरवाइव कैसे कर जाऊं उस रेट पे बेच के? अगर आप चाहते हो उस रेट पे बेचूं तो मुझे कचरा बनाना पड़ेगा, मुझे पानी मिलाना पड़ेगा, घटिया प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, वो मैं मरते दम तक नहीं बना सकता। तो सबसे महंगा सबसे अच्छा। सर आपने बहुत बढ़िया बताया, मुझे नहीं लगता कि आज हिंदुस्तान में क्या और पूरी दुनिया के अंदर किसी कंपनी का मालिक, किसी कंपनी का एमडी इतना खुल के मतलब सारी अंदर की बातें किसी को बता दे, ये लाजवाब है सर अपने आप में। और दूसरा आपने जो एक प्रोसेस बताया कि हम हब्स यूज करते हैं, रॉ मटेरियल, पूरी रॉ एक्सट्रैक्ट पाउडर नाम की कोई चीज बाजार से नहीं खरीदते, ये एक बहुत बड़ा राज है एसएलपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट का रिजल्ट देने का। अरे महिपाल जी 500 रुपए का प्रोडक्ट भी महंगा है अगर काम का नहीं है तो। अब हमारा पेस्ट 199 का दुनिया 50-50 रुपए में लेके आ गई। अब 50 रुपए में तू रेत मिला के पेस्ट बेच रहा है, क्या मतलब है उसका? कोई काम तो करे दांतों के लिए। वो 50 भी बेकार है ना, 500 रुपए भी बेकार है सर अगर काम करें। देखो पैसा पैसा ही होता है, अगर उसके यूज में आ गया तो पैसा वसूल हो गया, अगर यूज नहीं आया तो कम पैसा भी बेकार है। सर किसी के घुटने का दर्द है, 15,000 रुपए में ठीक हो गया 1.5 लाख की बजाय, प्रोडक्ट महंगा रहा सस्ता रहा, ये बताओ। किसी का हार्ट का ब्लॉकेज खुल गया 20,000 रुपए के हमारे प्रोडक्ट लेके, प्रोडक्ट महंगा रहा सस्ता रहा, बहुत सस्ता रहा। किसी का 90% लीवर खत्म है, वो हमारे प्रोडक्ट से लिवोडॉक से ठीक हो गया, प्रोडक्ट महंगा रहा सस्ता रहा। अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट है ना वो एसएलपीएस के पास है, जो लाखों का काम मात्र चंद रुपयों में लोगों का हो जाता है। तो दुनिया का सबसे अच्छा और लोगों के लिए सबसे सस्ता प्रोडक्ट अगर मैं कहूं तो एसएलपीएस के पास। सर एक मनीष महला जी है जो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स नहीं है ना, हमारे पास डॉक्टरी का कोई लाइसेंस है, क्या बिना लाइसेंस के हम इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं? बिल्कुल बेच सकते हो, 2000 बेच सकते हो, ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं ओवर टू काउंटर।
प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है, ओटीसी होती है। जैसे वीको वज्रदंती बजार में आप खरीदने जाओगे तो उस पर भी सेफ आयुर्वेदिक प्रोप्रेटरी मेडिसिन मिलेगा, जिसे हर परचून का दुकानदार बेच रहा है। अब परचून का दुकानदार डॉक्टर तो नहीं है। च्यवनप्राश आप कंपनियों को लेने जाओगे तो उसमें सेफ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन मिलेगा, जिसे हर एक दुकानदार बेच रहा है, हर गली मोहल्ले का दुकानदार बेच रहा है। अब वो डॉक्टर तो नहीं है। ओटीसी कैटेगरी का प्रोडक्ट कोई भी किसी को भी प्रमोट कर सकता है भारत सरकार के कायदे और नियम के अनुसार। हाँ, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है जैसे वटी है, भस्में हैं, उस तरह के बहुत से प्रोडक्ट आयुर्वेद में होते हैं जो हम लोग नहीं बनाते, उन्हें हम कहेंगे क्लासिकल मेडिसिन। क्लासिकल मेडिसिन दोस्तों हम प्रमोट नहीं कर सकते, सेफ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी हम सब प्रमोट कर सकते हैं और पूरी हिंदुस्तान की सारी कंपनियां कर रही हैं, ये सब आपके सामने। मतलब ये प्रोडक्ट हम आराम से ओवर टू काउंटर, इसको कहते हैं ओटीसी प्रोडक्ट जी। सर, यहां तक आपका सेशन के बाद एक मेरा सवाल है और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। आज एसलीपीएस वेलनेस का फाइटर या मैं भी, हम किसी को भी अपने प्लान के बारे में जब बताते हैं तो सामने वाला ज्वाइन करे या ना करे, किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक चीज पे सल्यूट करके जाता है कि उस आदमी को सलाम करते हैं जिस आदमी ने प्लान बनाया है। मतलब लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं इस प्लान को और वो एक चीज बोलते हैं कि ये प्लान नहीं है, ये हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियों का निचोड़ का एक प्लान है। मैं ये जानना चाहता हूं इस प्लान का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया। भाई वही बात है, जिसने किया होगा कर्म उसको ही पता होंगे अपने धर्म। तो मैंने कर्म किए थे, डायरेक्ट सेलिंग की थी, मैं कोई वो तो नहीं हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट की आगे सीधा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खोल ली। तो जो दर्द, जो तकलीफें मुझे हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पैसे कमाते थे तो जितने आते थे उतने खर्चा हो जाता था। दो दो साल तक हमारे घर वाले पूछते थे भाई क्या कमाया, तो हम बोलते थे रुक जाओ बस आने वाला है उस, ना तो वो कभी आया ना हम कभी रुके। तो आखिर में घर वाले नेगेटिव हो जाते थे, परेशान हो जाते थे, क्योंकि देखो एक डायरेक्ट सेलर का खर्चा तो होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, खर्चा तो होता है। आपने दिवाली बोनस सुना है? मतलब आदमी पूरी साल की तनख्वाह को इतनी वैल्यू नहीं देता जितनी दिवाली बोनस को देता है, और दिवाली बोनस से वो बच्चों के 100% गिफ्टें लेके आता है, घर में कुछ ना कुछ खुशियां आती हैं। बस यही मैंने सोचा कि एक जो हम सेल्स इंसेंटिव देते हैं यार, ये तो खर्चा हो जाए लोगों का, पर सेल्स परफॉर्मेंस बोनस बच जाए लोगों का, बोनस बच जाए। तो आज हमारी कंपनी में क्या है, 300 की टीम भी बनाता है ना तो 1.5-2 लाख घर दे देता है। तो आज हमारी कंपनी की ग्रोथ का कारण क्या है कि घर वाले बच्चों के साथ आ गए, वो कहते हैं अरे वाह बेटा 6 महीने में तूने 2 लाख दे दिए, 6 महीने में 1.5 लाख दे दिए। और जहां हम काम करते थे सर, हम 2-2 साल 2 रुपए नहीं दे पाए, उल्टा हमारे तो बीवी ये कहती थी कि बर्बाद करने के लिए तूने काम शुरू किया है, क्योंकि हमने तो अपना फंड भी निकाल के लगा दिया था। तो ये कारण है। दूसरा, आपने फैमिली ट्रिप वगैरह सर वो देखे, ऐसा है वही बात है, जिसने किए कर्म वो जानता है तकलीफें। जब हम रात को काम करके 12 बजे आते थे तो खाना गर्म बीवी देती थी, जब हम उठते थे बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। अब हमें तो कंपनियां घुमा रही है, थाईलैंड जाओ, दुबई जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, फलानी जगह जाओ। अरे भाई परिवार तो सबसे बड़ी ताकत है, जो हम हैं आज उन्हीं की वजह से, तो उन्हें भी तो घुमाना बनता है। तो देने को तो मैं एक टिकट भी दे सकता था, लेकिन मैंने 4 टिकट दिए, बिकॉज एसलीपीएस इज अ फैमिली कंपनी। तो आज जब हमारे लोगों के माँ बाप घूम के आते हैं, बीवी बच्चे घूम के आते हैं, तो उन लोगों को आते ही कहते हैं अरे भाई वाह क्या काम किया आपने। तो हमने सबको इसलिए घुमाया कि लोगों उनकी बीवी और बच्चों को लगे कि तुम्हारा पिता या तुम्हारा पति रियली कोई दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता है, और ये काम सबको करना चाहिए। किसी ने सवाल पूछा है कि हम यहाँ पे करियर लगाना चाहते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है जिससे कि अपना करियर यहाँ पे लगाया जा सके। देखिए बिल्कुल, जिसने भी सवाल पूछा है बहुत जेन्युइन सवाल है। अगर कंपनी को अगले 100 साल तक चलना है, 200 साल तक चलना है, 500 साल तक चलना है, तो सिर्फ फिगर से काम नहीं चलेगा, मैथमेटिकली कंपनी को 100% कैलकुलेट होना पड़ेगा। हमारा प्लान 100% मैथमेटिकली परसेंटेज वाइज कैलकुलेटेड है, और कंज्यूमर अफेयर्स में ये प्लान हमारा जमा है, हो चुका है। और अभी मैं सबके लिए बता दूं, सब लोग सुने कि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के आई थी, अभी रूल आ रहे हैं, रूल मतलब कानून आ रहा है, और कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, वो लोग भी सावधान हो जाएं जो इधर उधर चिल्लर पिल्लर कंपनियों में घूम रहे हैं। साफ साफ लिखा है कि मैथमेटिकली कैलकुलेशन आपको रूल्स आने के बाद अपने पेपर्स जमा जब आप कराओगे तो आपको देना पड़ेगा, परसेंटेज वाइज आपको पैसा बांटना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं लिख के दे सकते, 1000 रुपए का पेयर दे रहा हूं, 2000 का दे रहा हूं, 5000 यहां मिलेंगे, नहीं, मैथमेटिकली लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो रूल्स में सर। और हमें आज एसलीपीएस एक ऐसा ब्रांड है जहां जिसकी तरफ सरकार भी इज्जत से देखती है कि हाँ अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, तो हम सरकार के खिलाफ भी काम नहीं कर सकते। तो सीधी सी बात है, सरकार ही मैथमेटिकली मांग रही है तो हमें मैथमेटिकली में आना है, हम आ चुके हैं और हमेशा रहेंगे भी। जिंदगी जीने में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, कभी चढ़ाव भी होता है, कभी उतार भी होता है,
लेकिन वजह क्या है कि असली प्लस वेलनेस लास्ट 6 साल से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे चल रही है, इसकी वजह कोई आप किस चीज को मानते हैं? इसकी वजह हम आपको मानते हैं। नहीं, ये तो सर आपका बड़प्पन है। इसकी वजह हम जनता को मानते हैं, जनता जनार्दन को मानते हैं, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। वो कस्टमर हमारे जो खुश हैं और वो लीडर जो हमारे खुश हैं और वो प्रोडक्ट हमारे जिन्होंने वो रिजल्ट दिए मार्केट में, जिससे आज ये इज्जत मान सम्मान आपका प्यार मिलता है और हर दिन हम आगे बढ़ते हैं। मेरे के मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं बताते हुए कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था जिस सेल पे हम थे पिछले हफ्ते, हमने वो सेल क्रॉस कर दी। अब इसे क्या बताऊं मैं, अब कई बार तो मुझे भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। लगता है महाकाल बाबा या भगवान या अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं और अचीवर्स टेस्टिमोनियल हैं, उनसे भी ग्रोथ है कि जो लोग बेचारे कहीं कामयाब नहीं हुए थे वो दो दो साल में कामयाब हो गए, उन्हें देख के भी ग्रोथ है। और प्रोडक्ट के रिजल्ट सबसे बड़ा हमारा ग्रोथ का कारण है, क्योंकि कस्टमर जब दुआ देगा ना सर किसी भी कंपनी को, तो उसके लीडर भी और वो कंपनी भी दोनों फलेंगे और फूलेंगे। कस्टमर की दुआ बहुत जरूरी है। सर एक सवाल है, आज असली प्लस वेलनेस में जितने भी अच्छे मैक्सिमम लोग फ्रेशर हैं और दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन वजह क्या है कि एक लंबे टाइम तक एक डायरेक्ट सेलिंग ने दूसरी कंपनी में किसी भी अदर कंपनी में काम करने के बाद वो कामयाबी नहीं ले पाया जिसके कंपेयर 6 महीने के अंदर वो यहां पे अपना वजूद बना पाया और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना पाया, ऐसा क्या? देखिए सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में जो काम करते थे ना, मैं वो कहूंगा जो झोलर कंपनी है जिनका मतलब हिसाब किताब ही हवा बेचने का है ना, उनके लिए लोग सावधान हो जाए। भाई मैं एक बात कहता हूँ, पैसे ही कमाने हैं ना तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर लो भाई, हमारी में मत करो किसी और में कर लो, अच्छे प्रोडक्ट बेचो यार। कम से कम ये तो सोचो तुम्हारा बाप सीने के दो बटन खोल के बाजार में निकले कि मेरा बेटा BMW लेकर आया तो दुनिया का भला करके लाया, मर्जी लेकर आया दुनिया का भला करके लाया। ये तो ना कहे तुम हमारे बाप को माँ को लोग, अरे तेरे बेटे ने पूरा गांव लूट लिया, पूरा शहर लूट लिया, ऐसे घटिया प्रोडक्ट बेचे, ऐसे घटिया चीजें बेची जो आज हमारे लोगों के किसी काम की नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज है भाई, अपनी इज्जत से बड़ा पैसा नहीं होता, अपने माँ बाप के सम्मान से बड़ा सम्मान नहीं होता। तो अच्छी सम्मानित कंपनियों में काम करो, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, मेरी में मत आओ किसी और में चले जाओ, लेकिन अच्छी कंपनियों में जाओ। अब जो लोग 5-6 साल से कामयाब नहीं हुए सर और यहां कामयाब हो गए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वहां कामयाब क्यों नहीं हुए, यहां कामयाब हो गए, उनमें कोई कमी थी क्या? अगर कमी होती तो वहां भी कामयाब नहीं होते, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं होते। मतलब कमी उनमें नहीं थी, कमी प्लेटफॉर्म में थी, कमी प्रोडक्ट में थी, कमी पे आउट में थी, कंपनी मैनेजमेंट में थी, कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम में थी, कंपनी लीडरशिप में थी, वो सारी चीजें उन्हें यहां पर मिली। उनको यहां पर देखो, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर पैसा कब कमाएगा? जब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ना कि नेटवर्कर। कस्टमर, मुझे डायबिटिक प्रॉब्लम है, मुझे प्रोडक्ट से फायदा हुआ, मैंने अपने 4 दोस्तों को बोला भाई डायबिटीज का प्रोडक्ट लेना, असली बिजनेस का ले लो, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब जो बिजनेस नहीं कर रहा है वो भी हमारा बिजनेस कर रहा है, तभी तो पैसा कमाएगा, तभी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, तभी तो। अब क्या हुआ, ना तो मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ी, ना 8 स्टेप, ना 12 स्टेप, ना 13 स्टेप, ना कोई मोटिवेशन देना पड़ा। उसको तो पता ही नहीं चला कि डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट ही दिया था ना उसको, तो यही नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? प्रोडक्ट ही दिया था ना, और उसने 5 आदमी को प्रोडक्ट बिकवा दिया, लीडर ने पैसे कमाए, हाँ है ना। तो सबसे बड़ा रोल होता है प्रोडक्ट का, फिर प्रोडक्ट के बाद पे आउट, कि प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको पे आउट अच्छा नहीं मिलेगा तो बेचोगे कैसे? पेट्रोल चाहिए, मोबाइल का बैलेंस चाहिए। फिर होता है मैनेजमेंट, फिर होती है टॉप लीडरशिप। तो आज कंपनी की हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसको सल्यूट है मेरा कि वो इतने अच्छे, इतने ईमानदार लोग हैं, महिपाल सर जैसे, रामबीर सर जैसे, शिव कुमार जी जैसे, कुणाल जैसे, दलीप जैसे, अमित दुबे, अनुज जैसे अच्छे लोग हैं, कि इन लोगों की जो लीडरशिप है वो लाजवाब रही है। और हमारी कंपनी का केयरिंग नेचर जो है, पता नहीं मैं कितनी केयर आप लोगों की करता हूं वो आप लोग जाने, पर मेरे लिए SLPS का हर एक सदस्य अपने परिवार से बढ़कर है, अपने बच्चों से बढ़कर है। तो कंपनी का केयरिंग नेचर होना चाहिए, यूज एंड थ्रो का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि सालों का इस्तेमाल करो, माल कमाओ फिर लात मार दो, वो हम कभी नहीं करते, वो काम हम कभी नहीं करते, ना करते थे। तो ये सारे कारण है सर। सर एक मोहन आंजना भीनमाल है, इन्होंने पूछा है क्या कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, हम कैसे आश्वस्त रहें, और आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग और विजन बताना चाहेंगे? देखिए कंपनी जिंदगी भर चलती रहेगी, ये आप ये सवाल मुझे आपसे पूछना है कि आप चलाते रहोगे, आप लोग चलाते रहोगे तो चलती रहेगी भाई। कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती, कभी भी बंद नहीं हो सकती। 2-3 कारण है महिपाल सर। नंबर एक कारण, जब कंपनी का प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकना बंद हो सकता है? इसकी डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी।
क्लियर है? लॉकडाउन में टर्नओवर ज्यादा हो रहा है तो आगे तो बढ़ना ही है। क्लियर है? टॉप के प्रोडक्ट है, आज लॉकडाउन में तो हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के टैक्सेस खाएंगे, गवर्नमेंट बैन करेगी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस एसएलपीएस के जिसका दिल करे, अगर कोई हमारी कंपनी में सीईओ सीएसओ जाइए भैया ऑनलाइन देखिए हम टीडीएस टाइम से देते हैं नहीं देते, जीएसटी देते हैं नहीं देते, क्या गवर्नमेंट के 5 पैसा हमने रखा है, बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल लोग हमारी कंपनी में ज्वाइन है, खुद जाके चेक कीजिए। अगर गलत मिलते हैं सारा फोन करके बताइए संजीव कुमार सर आप झूठ बोलते हो कैमरे के सामने बैठ के। एक भी रुपया गवर्नमेंट का आज तक मैंने नहीं रखा, पहले देता हूं 2 दिन पहले, तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं रखूंगा तो गवर्नमेंट मुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं वो सारे हमारी कंपनी में फॉलो होते हैं, इसलिए हमारी कंपनी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। आपने देखा होगा केवाईसी प्रोसेस, ये प्रोसेस, वो प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस, सब स्ट्रिक्ट है। क्यों? पूरे 100% रूल फॉलो करते हैं गवर्नमेंट का, कंज्यूमर अफेयर्स का, अपग्रेडेशन कंपनी का टाइम टू टाइम करते हैं। और भैया अगर कंपनी को जाना ही होता तो कंपनी इतनी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्यों लगाती है? मैंने पहली जो यूनिट बनाई थी उसमें लगाए थे मेरे ख्याल 12 करोड़, फिर अभी जो यूनिट बनाई है उसमें लगाए 7-8 करोड़, और अब एक यूनिट आपकी और बन रही है जो 50 करोड़ की बन रही है जो इस साल बनके तैयार होगी, 50 करोड़। 50 करोड़ महिपाल जी जयपुर में, जयपुर में बन रही है। मतलब आप ये देखिए 2209 18000 1 लाख स्क्वायर फीट की, 1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री बन रही है बड़ी। इस फैक्ट्री को हम बना रहे बाहर की कंट्रीज के लिए, बाहर की कंट्रीज में जो हमारा प्रोडक्ट जाएगा क्योंकि वहां पैकेजिंग वैकेजिंग के कई लफड़े हैं तो पैकेजिंग अच्छी हो। तो कहीं ना कहीं आप ये मैसेज दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम विदेशों में भी काम करेंगे। तो मैं 50 करोड़ रुपए की फैक्ट्री क्यों बना रहा हूँ? इसलिए बना रहा हूँ, आके कोई भी आओ जयपुर में देखो, पहली पहली छत डल चुकी है, दूसरी डलने वाली है अभी, कितनी बड़ी फैक्ट्री बना रहा हूँ। तो अगर मैं 3-3 फैक्ट्री बना रहा हूँ, अच्छा ये बताओ ये 10-12 करोड़, ये 6 करोड़, ये 50 करोड़, ये 60-70 करोड़ रुपए थे तो मैं प्लॉट खरीद लेता, फ्लैट बना लेता, गाड़ियां खरीद लेता, विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी खरीद लेता। अगर मेरा विजन ही ना होता, मैं फ्यूचर ही ना देखता, मैं और कंपनियों की तरह, अब वो और कंपनियां बोलती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का क्या मतलब है, अबे मतलब है ना, खर्चा करना पड़ता है साला, लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ, इधर उधर से माल ले रहे हो, अपना कुछ है क्या? अपना कुछ ला के दिखाओ, अपना माल बना के दिखाओ, पैसा लगेगा। 70 करोड़ लगाया इधर, 70 करोड़ विदेशों में इन्वेस्ट कर देता संजीव कुमार, लेकिन नहीं, ये जनता की कंपनी है, मैंने जनता के लिए बनाई है, पब्लिक के लिए बनाई है, और हमेशा पब्लिक के लिए ये कंपनी जिंदाबाद रहेगी और मैं ऐसे ही पैसे खर्चा करता रहूंगा। तो अब 3 यूनिट बनाई है, 70 करोड़ लगाए हैं, तो इसका मतलब फ्यूचर है, विजन है, चलना है, लोगों को कैरियर देना, भविष्य देना, इसलिए तो लगाए कंपनी का। ये मैनेजमेंट देखा आपने, और एक कंपनी बंद होने का एक सबसे बड़ा जो कारण होता है महिपाल जी, राज की बात है, अगर इधर उधर इल्लर पिल्लर कंपनी में काम करो तो उन डायरेक्टरों से जाके पूछ भी लेना कभी। एक आईडी आती है एक कंपनी में, मान लो 14,000-15,000 की, तो आईडी ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है, टैक्स का पैसा टैक्स में, प्रोडक्ट का पैसा प्रोडक्ट में, कंपनी का पैसा कंपनी के प्रॉफिट में, कंपनी के प्रॉफिट में, लीडर का पैसा लीडर को, टूर का पैसा टूर को। जो कंपनी पब्लिक का पैसा खाने लग जाती है उसका बंद होना निश्चित है, और 99% ये झोलर कंपनी जितनी है 99% खाती हैं, जो आजकल के बच्चे खोल के बैठ रहे हैं ना, इनका यही काम है, क्योंकि पैसा आता बहुत है, बैंकों में बड़ा पैसा दिखता है, और ये कहते तो हमारा ही है, देना तो है ही नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे भी ये कंपनियां चल नहीं पाती। अब जैसे मैं अपने बताता हूं, एसबीआई बैंक में मेरा अकाउंट नंबर में अगर कोई चेक कर सके तो चेक कर लेना, कंपनी के टूर के पैसे हैं। आईसीआईसी बैंक में सेल्स इंसेंटिव, सेल परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट के टीडीएस के पैसे हैं। एक्सिस बैंक में मेरा पूरा जीएसटी का पैसा है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, समझे। एचडीएफसी में मेरा प्रोडक्ट के वाले को पैसा जाता है, और कोटेक का जो अकाउंट है वो मेरा है, मेरा प्रॉफिट आता है। इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आपके 100 SP आते ही ऐसे बांट देते हैं, हमारे पैसे पे हमारा हक होता है, उससे हम डेवलपमेंट करें, उससे हम फैक्ट्रियां बनाएं, लेकिन आपके पैसे को हम टच नहीं करते। जिसका दिल हो जब आके अकाउंट देख लेना, इतना ओपनली कोई बात नहीं करेगा। सर एक चीज है, किसी ने बार बार लिखी है कि आप स्टेज के माध्यम से, मीटिंग्स के माध्यम से कहते हैं हमारे इथिक्स है, वैल्यूज है, प्रिंसिपल है। मैं आज पब्लिक के लिए सामने ये जानना चाहता हूँ कि आपके ऐसे कौन से इथिक्स हैं, वैल्यूज या प्रिंसिपल हैं, बाकी लोगों से आपको अलग करते हैं, बाकी लोगों से अलग क्या माने? किस मूड में आए हो आज, आप ये बताओ पहले। मैं सिर्फ लोगों के ही सवाल लेके आया, सारे मतलब आप पूरी पोल पट्टी पे आ चुके हो आज तो। मौका कभी कभी मिलता है। महिपाल जी हमारे इथिक्स और वैल्यूज अलग हटके हैं, जो आज तक 20-25 साल से जो त्रस्त रहे हैं, नेटवर्क कर परेशान रहे हैं, कंपनियों से तकलीफें रही हैं ना, वो तकलीफें देखो हमने प्रोडक्ट से, पे आउट से दूर की हैं, और अपने कुछ प्रिंसिपल से दूर किए हैं।
जैसे मैं एक पहला प्रिंसिपल बताता हूं, आप कई कंपनियों में देखोगे पूरा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है एक सीनियर अपलाइन के कहने से। कंपनी का एक टॉप अपलाइन जिसका धंधा सबसे ज्यादा आता है वो डायरेक्टर को आता है, जाके डराता है ये बंदे का धंधा इधर कर दो। डायरेक्टर कहता है भाई साहब हाँ, क्योंकि तुम्हारे धंधा सबसे ज्यादा आता है, तुम्हारे सलूट हम कर देंगे। इधर ऐसा नहीं चलता। हमारी कंपनी में अगर आपने अपनी आईडी ग्रीन करा दी, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ताकत नहीं उस आईडी को डीएक्टिवेट करा दे बिना आपकी मर्जी के। आपका मर्जी नहीं, मेल नहीं चलती, आपका स्टैंप पेपर होता है, 100 रुपए का नोटरी होके आपका साइन मैच होता है कि ये आदमी जो एक्टिवेट करा रहा है यही है कोई और है। एक आईडी की मैं ताकत बता रहा हूं, एक आईडी नहीं है, एक आदमी का फ्यूचर है सर, यहाँ कैरियर है। ऐसे तो कल को कोई भी लीडर घमंड में आके किसी को लड़ाई हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर देगा, तो वो बर्बाद हमारे यहाँ कोई लीडर किसी को नहीं कर सकता, कोई शिफ्टिंग नहीं कर सकता, क्रॉस लाइनिंग यहां पर नहीं होती। आपने भी देखा होगा 4-5 साल से आप हमारे साथ हो, क्रॉस कितना ही बड़ा लीडर हो, कितना ही बड़ा बिजनेस दे रहा हो, मुझे कोई बिजनेस से लेना देना नहीं, बात है लोगों की जिंदगी होगी। क्रॉस लाइनिंग नहीं होगी जब तक रियल, हाँ कोई ऐसा केस है कोई छोड़छाड़ के चला गया उसके लोग फिर आना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन अगर रियल इथिकल बंदा है उसके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। हमारे यहाँ कोई रिन्यूअल फीस नहीं हुई, पहले दिन से कोई रिन्यूअल हमने नहीं लिए। हमारे यहाँ पर और तो छोड़ो सर, फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग है ना, कोई सिक्योरिटी फीस नहीं लेते हम। अच्छा, हाँ जी। और फ्रेंचाइजी के एग्रीमेंट में ये लिखते हैं कि भाई तेरा प्रोडक्ट बिकता है तो ठीक, नहीं बिकता तो 1 साल बाद देके जा, पैसे लेके जा। 5 पैसा लायबिलिटी एसलीपीएस वेलनेस पे हिंदुस्तान में कोई नहीं कह सकता। ये हमारे एथिक्स हैं, हमारे एथिक्स हैं कि अगर आप हमारी कंपनी छोड़ के भी चले जाते हो तो भी हम आपको फोन करके आपका सारा बचा हुआ पैसा देते हैं। अगर आप टूर पे, तो अगर मान लो आप छोड़ के चले गए हम तो आपको टूर पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन टूर का पैसा देंगे आपको बुला के, भाई साहब आप चले गए आपको हमारी कंपनी अच्छी नहीं लग रही आप दूसरी कंपनी में चले गए, भाई साहब आपने हमारे यहां जो मेहनत करी है ना आप अपना मेहनताना लेके जाओ, कोई बात नहीं आप चले गए आपका हमारे साथ दिल नहीं लग रहा, पर हम आपका हक का पैसा कभी नहीं खाएंगे। ये एसलीपीएस है सर, ये एथिक्स है, ये प्रिंसिपल है, ये वैल्यूज है हमारी, जिनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। आपको पता है आप कंपनी के टॉप अचीवर हो, क्या रियली आपने कभी प्रयास किया किसी की क्रॉस लाइनिंग कराने का? नहीं, कभी किया मन में? क्योंकि आपको पता हो ही नहीं सकता, तो आपने तो खैर आप तो बहुत अच्छे आदमी आप तो कर ही नहीं सकते, लेकिन और बहुत लीडरों ने प्रयास किया लेकिन उन्हें लास्ट में नेगेटिव रिजल्ट, नहीं हो सकता भाई। अगर किसी के 2 लाख चल गए और वो भैंस भी चराएगा ना तो भी हमारे यहां से चेक जाता है। और कंपनियों में क्या होता है, लीडर आते हैं आगे बोलते हैं सर वो तो भैंस चरा रहा, उसके 2 लाख चल रहे, पैसे आ रहे, इसकी आईडी बंद करो, इसको ऐसे करो। हम बोलते हैं भाई जब वो आया था ना तो तुमने यही कहा था कि अगर तेरे 2 लाख चल गए तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी, अब बेचारे की बदल गई तो यार तुम्हें क्या तकलीफ है। तो दोस्तों निश्चिंत रहो, आपकी आईडी आपकी है, इसे कोई भी हिला नहीं सकता। एक संजय कुमार है, एक मनीष जयपुरी है जो पूछते हैं आज असलीपीएस की कॉपी मार्केट में बहुत आ रही है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो यहां तक कि लोग लोगो भी बना रहे हैं उसमें भी कॉपी, फोल्डर बना रहे हैं उसमें भी कॉपी, डब्बे का डिजाइन बना रहे हैं उसमें भी कॉपी। भैया तो मान ले भाई हम हिट हो गए है ना, कॉपी किसकी होती है? जिसमें कुछ होता है, जिसमें कुछ होता है ओरिजिनल है हम। देखिए कॉपी करने वालों को मैं सलाह दूंगा कि आप अपने खुद के आइडियाज लाएं, ऐसे आप बड़े नहीं बन पाएंगे, आप लोगों का फ्यूचर खराब कर लेंगे, लोगों की जिंदगियां खराब कर देंगे, आप वही खेल खेलेंगे जो आज तक 20 साल से लोग खेलते रहे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम होती रही, क्योंकि आप लोगों ने भागना ही भागना है अपने तो दो, क्योंकि हमारी कॉपी हो नहीं सकती महिपाल जी। पहली बात, हमारी कॉपी करने के लिए 4-4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाओ, हमारी कॉपी करने के लिए हमारी प्रोसेसिंग लाओ, हमारी कॉपी करने के लिए हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी लाओ, वो क्वालिटी दो जो हम देते हैं, देके दिखाए कोई ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है ना, हम कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, फॉर्मूले हमारे पास है ना। पेप्सी को कोई कॉपी कर पाया आज तक? आज तक नहीं कर पाया। एप्पल को कर पाया कोई आज तक? नहीं। बड़े बड़े बिरले बैठे हैं क्यों, फिर भी लोग एप्पल के दीवाने। अगर पीछे सेब कटा हुआ मोबाइल पे चिपकाने से हर आदमी एप्पल बन जाता तो फिर तो सभी साले एप्पल बन जाते। एप्पल की शक्ल के कुछ मोबाइल आए थे तो शायद बन भी हो गए है ना, तो एप्पल नहीं बन सकते ना, तो आप असली बस तो बन ही नहीं सकते ना, तो आप कितनी मर्जी कॉपी कर लो। अच्छा कॉपी करने से होता क्या है कि जो बेचारी वही मैंने कहा ना, वो बच्चा जो पहली बार सेमिनार देखा है नया नया आया है वो नहीं ना समझ होता है, उसको दिखाओ दे कैसे प्लान है जैसा एसलीपीएस कैसे प्रोडक्ट है, वो बेचारा बेवकूफ बन के घुस जाता है। ट्रेड सीक्रेट हमारे पास है ठीक है, अब हमारा प्लान कॉपी कर लिया भाई, मैथमेटिकली कैलकुलेशन लाओ। अब कॉपी करना आसान है देना मुश्किल है ना, अरे तुम लिख दोगे लिखना आसान है पर देने में हाथ कांपते हैं, वो मैं कहता हूं ना जिगर नहीं चाहिए जिगरा चाहिए। तो भाई क्या तुम इस कैपेबल हो इतना पैसा दे सकते हो जितना लिखते हो? बस कॉपी एसलीपीएस का वो छाप दिया फोल्डर और अच्छा
कई कंपनी तो ऐसी 19वां लेवल 20वां लेवल, अरे भाई पहले 10-20 लेवल दे तो। और दूसरी बात है, इनका आश्रय भी बुरा होने वाला है। अच्छा मैं बता रहा हूं, ऐसी कंपनी का कोई मालिक सुन रहा हो तो ध्यान से सुन, अभी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में रूल्स, उन रूल्स के अंदर मैथमेटिकली कैलकुलेशन चाहिए प्लान में, उन रूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही जो तुम लोग फॉलो नहीं कर रहे ना, तुम कभी कर सकते, सही है। इसके लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। और अच्छी बात बताता हूं तुम लोगों को मेरे बच्चों, रूल्स के अंदर मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 10 करोड़ की सिक्योरिटी डलवा रहा हूं कि जो भी नई एमएलएम कंपनी चल रही है उन सबको 10-10 करोड़ देने पड़ेंगे। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, 10-5 तो डलवाई दूंगा, तो उतना जुगाड़ रखना, तब जाके चला पाओगे। लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो, मतलब लोगों के लिए आप डर पैदा कर रहे हो। अरे सर मैं सच बता रहा हूँ, रूल्स बन रहे हैं उनमें सिक्योरिटी लग रही है, वो सिक्योरिटी इसलिए ले रही है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भविष्य है। सर आप ये समझो, कोई उल्लर पुल्लर आया कंपनी खोल के बैठ गया, 2 कमरे के एक जगह ली, एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोडक्ट वाले से बात करी, कंपनी खोल के बैठ गया। अरे कंपनी भविष्य है भाई, लोग अपनी बीबीए एमबीए एलएलबी छोड़ के तुम्हारे साथ जिंदगी लगाते हैं यार, उनकी जिंदगी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो भारत सरकार भी ये रूल बना रही है कि जो भी कंपनी आएगी उसको बड़ा अमाउंट सिक्योरिटी देगी तो ही चला पाएगी, नहीं तो नहीं चला पाएगी। और एक संजीव कुमार इसका समर्थन में खड़ा है, कुछ लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं इसके समर्थन में हूं कि अंदर की बात सब सुन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक श्रीराम बिश्नोई भवानी सिंह जी हैं जो ये पूछते हैं कि सर 2 महीने हो गए प्लान दिए जा रहे हैं, 60 से ज्यादा प्लान दिए, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, क्या करें? देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बेटा आपको ये समझना है कि 60 प्लान से ज्वाइनिंग नहीं आती, प्लान आपने दिए किसको है पहले तो ये देखो। 3 तरह की लिस्ट होती है मार्केट में, ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास। सी क्लास वो लोग होते हैं जो एडजस्टमेंट सेटिस्फेक्शन के लोग होते हैं और जिन पे पैसा नहीं होता। एक होती है बी क्लास जिन पे थोड़ा पैसा होता है, और ए क्लास वो होती है जो आपके प्रोडक्ट को और आपके प्लान को अफोर्ड कर सकती है। तो कैटेगरी ऑफ लिस्ट अपनी पहले सुधारो, आप उन लोगों को प्लान दो जिनकी जेब में पैसा है और जिन्हें प्रोडक्ट की जरूरत है। देखो आप जाकर रिक्शा वाले को प्लान दोगे, आप 60 क्या 600 प्लान दे दो, वो कहां से पैसे देगा? उसे ना जरूरत है ना उसकी जेब में पैसा है। तो पहले आप अपनी लिस्ट को फिल्टर करो, आप अपने ऐसे लोगों के पास जाओ जिनकी जेब में पैसा हो और जिन्हें जरूरत हो। दूसरा, आपका प्रेजेंटेशन परफेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन आपको आने चाहिए, एजुकेशन आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए कोई भी आदमी अपना भविष्य उस आदमी के हाथ में नहीं देगा जिस आदमी को वो अपने से कमजोर आंकता हो। तो आप इतने अच्छे कपड़े पहन के जाएं, इतने मजबूत होके जाएं, इतनी अच्छी बातें लेके जाएं कि सामने वाले को लगे कि इसके हाथ में अगर अपना भविष्य दे दिया तो मेरी जिंदगी बना देगा। तो आपको इस मजबूती से अपने आप को एजुकेट करना है और अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है और अपनी लिस्ट को फिल्टर करना है। आपको 100% रिजल्ट आएगा अगर आप उन लोगों के पास जाओगे जिनकी जेब में आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए पैसा। बहुत बढ़िया सर, ये सारी चीजें होगी बिजनेस से रिलेटेड, मैं आपसे कुछ पर्सनली चीजें पूछना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। पूछो सर। आपकी जिंदगी का कोई ऐसा पल जिसको याद करके आप बड़ा अंदर से कोई दुखी महसूस होते हो, कोई दुखी पल? मैं दुखी पल आज तो नहीं है, पहले कभी था। हाँ जिंदगी का। सर मैंने जब नेटवर्किंग शुरू करी ना तो मैं आर्मी में था, अब फौज की सरकारी नौकरी ना मैंने लाइन लगा के छुड़वाई लोगों की, बहुत नौकरियां छुड़वाई। और उसके बाद जब मैंने वो कंपनी छोड़ दी और मैं 2 साल जब खुद भी नकारा निकम्मा हो गया, बेकार हो गया, तो वो लोग बेचारे बड़े दुखी हुए, किसी ने सिक्योरिटी की नौकरी करी सर, किसी ने टीचर लगा, मतलब सबको मैं सपने, मतलब आप नाना करते आप 150 लोग मान लो सर जिनकी नौकरी मैंने सरकारी नौकरी छुड़वाई मोटिवेट करके, अरे मैं तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, नेटवर्किंग ये कर देगी। और जब वो लोग कामयाब नहीं हुए ना सर, तो उनको फेस करना, उनसे बात करना मेरे बस की नहीं था और मैं अपने आप को बड़ा दुखी महसूस करता था कि साला तूने तो पैसा कमा लिया इनकी जिंदगी बर्बाद क्यों करी। तो मेरे जीवन में सबसे दुखी पल वही था सर, अब तो नहीं है क्योंकि वो सब लोग कामयाब हैं। इसी के अपोजिट एक सबसे खुशी का पल क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपका शौक हो जिस काम को करने में आपको बड़ा अच्छा लगता हो? मेरा सबसे सुखी पल यही है कि जितने लोगों को मैंने जीवन लगाया वो कामयाब हो गए। और सबसे अच्छा सुख मुझे मिलता है तो जो लोग मेरे को डीपली जानते हैं वो बता सकते हैं, लोगों की सेवा करने में मिलता है, लोगों को प्यार बांटने में मिलता है, किसी दुखी की मदद करने में मिलता है, किसी गरीब की मदद करने में मिलता है। शायद ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसका मैसेज मेरे फोन पे और उसकी मैंने मदद ना करी हो आज तक। मतलब मुझे जनता की भलाई में मतलब जो मजा आता है वो किसी में भी नहीं आता, बेस्ट है मेरे लिए। मतलब आई एम 100% सेटिस्फाइड पर्सन इन माई लाइफ विद माई एथिक्स एंड विद माई वैल्यूज एंड विद माई प्रिंसिपल्स, की मैं जैसे काम करता हूँ जैसे जिंदगी जीता हूँ मैं बेहतरीन जिंदगी जीता हूँ। वो हेलीकॉप्टर, याट और पानी के जहाज वो मुझे कुछ नहीं बनाने,
मुझे लोगों की जिंदगियां बनानी है, मैं बनाता रहूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, मैं चलता रहूंगा, कुछ भी हो जाए, जिसने दिल से काम किया उसको कभी यहां से निराशा हाथ नहीं लगेगी और मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। यही कारण है कि आज असली पीएस वेलनेस देश के साथ लोगों के साथ जहां भी जरूरत हो वहां अपना जितना हो सके उससे भी ज्यादा करने की कोशिश कर रही है। अब देखो देश तो सर्वोपरि है बड़े भाई, अगर देश नहीं रहेगा तो कौन सी असली पीएस, कौन सी दिल्ली, कौन सी मुंबई, देश सर्वोपरि है। मैं तो कहता हूं हर आदमी को देश सेवा में बढ़ चढ़ के हाथ लेना, बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। अरे देश है तो हम पैसा कहां से कमा रहे हैं भाई, हिंदुस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों से? सही है, हिंदुस्तान फिर हम रहे किसकी जमीन पर, हिंदुस्तान की तो देश के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए क्या? अरे देश तो सर्वोपरि, ये कोई दिखावा नहीं है कि संजीव कुमार ने पीएम केयर फंड में दिया तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए दिया, या संजीव कुमार ने किसी को मास्क बांटे तो प्रमोट करने के लिए दिए। अरे यार देश है तो संजीव कुमार है ना, देश नहीं तो संजीव कुमार थोड़ी है। और इसलिए तो मैं कहता हूं चला हमारे देश के लोग ऐसे गलत लोगों का साथ देते हैं, इतने गंदे लोगों का जो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हिंदुस्तान के लोग क्यों लूट रहे हो? तो ऐसे निकम्मे लोगों से सबसे मैं कहूंगा कि जो भी लोग देश के साथ गद्दारी करते हैं, और गद्दारी में क्या है, गलत चीजें बेचना, मिलावटी चीजें बेचना, गलत वादे करना, गलत धोखा देना, मोटिवेट करके आडंबर में फंसा के रखना, तो पाकिस्तान वालों को फंसाओ ना। तो भाई देश तो सर्वोपरि है महिपाल जी, और मेरे लिए था, है और जीवन भर रहेगा। आज सर हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आपसे इंप्रेस हैं, आपसे प्रभावित हैं, आपकी गाइडलाइन के तहत चल के और बहुत अच्छी कामयाबी ले रहे हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि आज इस लेवल पे आने के बाद, और खुद ही इस लेवल पे नहीं अपने साथ में इतने लोगों को इस लेवल पे लाने के बाद, आपकी जिंदगी का कोई कोई सैक्रिफाइस रहा होगा? कुछ छोड़ दो, टाइम भी हो गया। मतलब ये खास सवाल है लोगों के लिए, क्योंकि लोग हर आदमी के सपने हैं आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा सैक्रिफाइस जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे अपने आप को मानते हैं। देखिए महिपाल जी, सैक्रिफाइस करे बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते। बिल्कुल, सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस सर मेरा नहीं है, मेरे बीवी और बच्चों का है। मैं रियल बताऊं तो मेरा कोई सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफाइस उनका है। क्योंकि जब मैं स्लीपियस वेलनेस को 9 नवंबर 2014 को बना रहा था तो मैं जयपुर रहता हूं, बेसिकली मेरा घर परिवार सब जयपुर रहता है। ओके, तो जयपुर में हमारे घर में ही मीटिंग चल रही थी, तो मैं मेरी वाइफ से बोला कि यार ऐसे ऐसे कंपनी बनानी है, लोगों का अपना भविष्य और लोगों का भविष्य, अपना भी भविष्य था, अपना भी लालच था, और लोगों का भविष्य के लिए एक अच्छी कंपनी बनानी है और उसको दुनिया की नंबर वन कंपनी बनानी है, चलाना है, मेहनत करनी है। तो मेरी वाइफ ने कहा ठीक है आप एग्जीक्यूट करो, खोल लो। तो मैंने मेरी वाइफ से कहा कि यार देख जयपुर में नहीं बात बनेगी, मैं कंपनी दिल्ली खोलूंगा। तो एकदम शॉक्ड हो गई, बोली आप दिल्ली क्यों खोलोगे? मैंने कहा यार अगर मैंने जयपुर में कंपनी खोली तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार पति के नाते तेरे सारे काम करने पड़ेंगे, और जिम्मेदार पिता के नाते बच्चों की मीटिंग वीटिंग ये वो फलाना ढिमका जाना पड़ेगा, और ये कंपनी नहीं है, ये लोगों की लाइफ लाइन होती है, MLM कंपनी नहीं होती, लोगों की जिंदगी होती है। क्योंकि लोग बहुत बड़े सपने लेके सर यहाँ आते हैं, बहुत बड़ा भविष्य यहाँ देखते हैं, कंपनी की छोटी सी गलती पे उनका भविष्य खत्म हो सकता है। तो मैंने कहा मेरी वाइफ से, उसका नाम पूनम है, मैं पूनम या तो मैं ये काम शुरू नहीं करूंगा, करूंगा ना तो पूरा पागलपन से करूंगा, पूरा डेडिकेशन से करूंगा, मैं लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। 2 साल चलाई बंद कर दी, 3 साल चलाई बंद कर दी, और अपने ऊपर एक धब्बा लेके अपना जीवन नहीं जी सकता मैं पूरी मेहनत करूंगा, बाकी भगवान जाने जो होगा। तो मेरी वाइफ ने कहा ओके, पहले तुम कहते थे जब तुमने नेटवर्किंग शुरू करी डार्लिंग 3 साल की बात है फिर पैसिव इनकम, अब 7 साल हो गए थे फिर बोलते डार्लिंग 3 साल की बात है पैसिव इनकम, अब उस टाइम पे हो गए थे महिपाल जी 2014 में मुझे 7 साल सारा टाइम मिला के बोला अब पैसिव इनकम, अब तो साथ रहो, 7 साल से तो आप मेरे साथ नहीं हो। मैंने कहा बस 5-6 साल और दे दें फिर पैसिव इनकम, एक डेट और दे दी। तो उसके बाद से हमने कंपनी दिल्ली खोली, क्योंकि दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, लोगों का रीच ऑफिस के लिए अच्छा था, सुविधाएं अच्छी थी। और उसके बाद ना मुझे दिन रात काम करने का मौका मिल गया, और मुझे ही नहीं, मेरे साथी जो डायरेक्टर है अमित जी और माम जंजीन के भी बच्चे भी छुड़वा दिए। मगर बेटा तुम भी अपने भी बच्चे दूर रखो, 3 साल तक तो कोई भी बच्चे लाएगा ही नहीं कम से कम। हर आदमी रात के 2-2 बजे तक काम करेगा, 4-4 बजे तक काम करेगा, दिन रात काम करेगा। बीवी को बोला अब जिम्मेदारी तुम संभालो, हम कंपनी संभालते हैं। तो थैंक्स टू ऐसा परिवार, ऐसे बीवी बच्चे भाई, जिसकी वजह से आज मैं दिल्ली में रहता हूं सर, महीने में एक दिन अपने घर जाता हूं, पिछले 6 साल से ये हालत है, कभी कभी 3 महीने में जाता हूं। तो मैं तो थैंक यू करूंगा मेरी फैमिली को। आज बहुत सारे लोगों ने अपना जिंदगी अपना करियर असली पीएस वेलनेस के साथ लगा रखा है, असली पीएस वेलनेस के फाइटर के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, असली पीएस के फाइटर साहब के लिए मेरा सबसे अच्छा मैसेज ये है कि हम अच्छे प्रोडक्ट अभी कुछ लॉन्च करने वाले हैं आप सबके लिए, आप लोग दिल से निष्ठा से ईमानदारी से काम करें,
अपने मन में नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दे, इसलिए आज मैं आपके सामने बैठा हूं रूबरू भाई, नेगेटिव क्वेश्चन ना आने दे। अगर कोई भी नेगेटिव हो ना, कभी भी मुझसे पूछे, महिपाल सर से पूछे, किसी से भी पूछे, खुद को नेगेटिव ना होने दे, क्योंकि नेगेटिव आदमी पॉजिटिव जिंदगी नहीं जी सकता। शारीरिक दुख दे खुद को, शारीरिक खूब मेहनत करे, मानसिक सुख तभी मिलेगा। आप लोगों के पास जाते, लोग आपके पास नहीं आते। एक बंदे का एक सवाल आया था कि सर लोग नहीं आते, मैं भी पढ़ रहा था, हम लोगों को समझाते भाई नहीं आएंगे। जिन लोगों को सालों को लिपस्टिक लगा के पूरे दिन कुर्सी पे बैठने का शौक है ना, एसी की हवा में, वो लोग नहीं आएंगे। जो परिप्रयत्न कर सकता है, तड़प सकता है, धूप में तप सकता है ना, वो नेटवर्किंग करता है। एक बात बता देता हूं, नेटवर्किंग खेल नहीं बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छो अच्छो का, तो हर आदमी नेटवर्किंग नहीं करता। अब सोचो तुम्हारे यहां पर हमारे ऑफिस में चेक बनाते हैं लड़के लड़की तुम्हारे, दो दो लाख के, डेढ़ डेढ़ लाख के, 25 लाख के, उनकी तनख्वाह 15,000 है, 94 लाख तक के उनकी तनख्वाह 15,000 है। क्यों? क्योंकि सुबह आते हैं लिपस्टिक लगा के 10 बजे, फिर आके यहाँ चेयर पे बैठते हैं, कंप्यूटर के सामने टक 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 टक, एसी चल रहा है, चले जाते हैं। जो शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते, अपने बच्चों के सपने, अपने परिवार के लिए खुद को तड़पाना नहीं चाहते, वो नेटवर्किंग नहीं करते। जो मतलबी सेल्फिश लोग होते हैं, सिर्फ अपना आराम, अपना सुख देखते हैं, वो नेटवर्किंग नहीं करते। और जो अपनों का सुख देखते हैं दोस्तों, वो नेटवर्किंग करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। तो नेटवर्किंग वही लोग करेंगे जिनको शरीर को कष्ट दे सकते हैं। तो मेरा एक मैसेज है, शारीरिक दुख दो खुद को अगले 4-5 साल, जीवन भर सुखी रहो। दूसरा, नेगेटिव खुद को होने मत दो, अपलाइन जो बोले वो करो, ब्लाइंड बिलीव करो अपने अपलाइन पर। और हिंदुस्तान में नहीं, मैं पूरे विश्व की गारंटी लेता हूं, बेस्ट टॉप लीडरशिप एसलीपीएस के पास है। और उसके बाद आपके लिए हमें एक प्रोडक्ट ये बना दिया, वायरल डोक, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया आपके लिए, जो अभी कोरोना काल चल रहा है उसमें काफी इफेक्टिव है, काफी फायदा, हाँ काफी फायदा देगा लोगों को। वायरल डोक है, वायरल डोक बहुत फायदा देगा लोगों को। भगवान ने चाहा तो जो इसे पिएगा उसको वो वायरस हो ही ना, ऐसा हो सकता है, बाकी ऊपर वाला चाहेगा। बहुत मेहनत करी है तभी 3 महीने में निकाल पाया हूं, इस पर R&D बहुत हुई है, बहुत मेहनत हुई है। और अच्छे नए प्रोडक्ट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर हम लेके आ रहे हैं मार्केट। अब लोग कहते हैं ना सस्ता, जब मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसपे मुझे प्लान व्लान में पैसा भी नहीं बांटना, जिसमें मुझे सिर्फ लोगों की जरूरत पूरी करनी है, सैनिटाइजर बताता हूं, 500 ml का सैनिटाइजर ला रहा हूं 240 रुपए में, 240 रुपए में। अरे बात सस्ते महंगे की नहीं होती, बात इथिक्स की होती है, प्रिंसिपल की होती है। अगर मैं कुछ ला सकता हूं तो लाऊंगा। साबुन ला रहा हूं आपके लिए, ऐसी साबुन, एक बार नहाओगे ना बेटा तो दोबारा दूसरी साबुन यूज नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे, ये मैं बोल रहा हूं। जब आ जाएगी तब मैं दिखा दूंगा, वो एक पेस्ट और तुलसी वाला हाल होगा। उसके बाद इम्यूनिटी ड्रॉप ला रहा हूं, चलते फिरते कहीं भी इम्यूनिटी ड्रॉप ले लो, आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत इनहेंस करेगी। चवन प्रास ला रहे हैं कंपनी का, हर्बल मेहंदी ला रहे हैं, तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है मेपाल जी जो हम अगले 1 महीने में लॉन्च कर देंगे, सुपर प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। और दूसरा, हम लोग अभी 15 जुलाई से और 15 अगस्त तक एक मुहिम चला रहे हैं कि जितनी भी 27 SP की IT, चाहे कंपनी से ग्रीन हो चाहे अपना फ्रेंचाइजी से ग्रीन हो, सबको 2 surgical 3-ply मास्क हम फ्री देंगे, फ्री। और 52 SP पे 3 मास्क फ्री देंगे और 100 SP पे 5 मास्क फ्री देंगे, ये फर्स्ट परचेज में भी और रीपरचेज पे भी, और फ्री देते जाएंगे 15 जुलाई से 15 अगस्त और 15 अगस्त से 15 सितंबर तक। हैंड सैनिटाइजर 27 SP 25 ml फ्री लाइफ टाइम, मतलब जब तक ये चलता रहेगा कोरोना का, मतलब तब तक चलती रहेंगी चीजें। 52 SP 50 ml और 100 SP को 100 ml हैंड सैनिटाइजर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक फ्री देंगे, फिर 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मास्क फ्री देंगे, फिर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सैनिटाइजर फ्री देंगे, फिर 15 नवंबर से 15 दिसंबर मास्क फ्री देंगे, फिर 15 दिसंबर 15 जनवरी तक सैनिटाइजर फ्री देंगे। वो इसलिए क्योंकि जरूरत है लोगों। सर एक लास्ट सवाल रह गया मेरा और बहुत खूबसूरत सवाल है, आलोक शर्मा जी उन्होंने पूछा है, आज युवा ही देश का भविष्य है, आने वाले टाइम में देश कहां जाएगा ये आज के युवाओं पे निर्भर करता है, उनकी सोच क्या है और वो किस सोच के साथ, क्योंकि बनाने वाले वही है। आलोक शर्मा जी ने ये पूछा है सर कि क्या कोई स्टूडेंट डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर लगा सकता है और वो अपना फ्यूचर शेप समझ सकता है। मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट को ही लगाना चाहिए, स्टूडेंट को ही जरूरत है, क्योंकि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता है किस तरीके से है, कैसे चल रहा है। स्टूडेंट का भविष्य, पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है। अरे वाह, 40 साल का आदमी कैरियर लगा रहा है ना, वो कैरियर नहीं है,
वो तो बेचारा ठीक है, जो 20 साल बच रहे थोड़ा ठीक ठाक जिंदगी जीने के लिए आ रहा है। एक स्टूडेंट को कैरियर लगाना चाहिए, स्टूडेंट की एनर्जी, स्टूडेंट का टैलेंट, स्टूडेंट की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट की मेंटेलिटी, स्टूडेंट का पैशन, स्टूडेंट के पावर, स्टूडेंट के पास जो कुछ है जो हमारे युवाओं के पास है वो बूढ़ों के पास थोड़ी होगा। युवा तो देश का आने वाला भविष्य है। और मैं कहूंगा हर एक युवा से एक बार अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग का मौका दो। मैं नहीं कहता बार बार, एक बार मौका दो, एक बार 6 महीने टिको। आपको जो हमारी इंडस्ट्री देगी ना दोस्तों, कहीं से नहीं मिलेगा। हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देंगे, स्किल डेवलपमेंट देंगे, सेलिंग डेवलपमेंट देंगे, मेंटल डेवलपमेंट देंगे। हम आपको ऐसा बना सकती है इंडस्ट्री जैसा आप बड़े से लंदन से पढ़ के आओ ना, ऑक्सफोर्ड से, तो नहीं बन सकते। आप किसी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई कर लो ना, तो इतना इनहेंस कर जाओगे अपने आप को कि आप देश के प्रधानमंत्री तक बनने का जज्बा आपके अंदर आ जाएगा। ये हमारी एजुकेशन है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा एटमोस्फेयर है। तो हर स्टूडेंट को मैं कहूंगा भाई, हमेशा पहले करके देखो तो सही यार, एक मौका दो, अगर जमती है तो रुकना, नहीं तो फिर निकल जाना।